आइंदा इंजेक्शन मत लगाना, उसके बदले में गोली दे देना। ठीक है सर। भाई नरसिंह पहलवान का फोन है। क्यों बेटा नरसिंह, कैसा है बता, फोन क्यों किया? गोविंद को ज्यादा चर्बी आ गई है, वो मेरे तलवे चाट चाट कर यहाँ पला बढ़ा है, मुझे देखते ही उसका पेशाब। खैर तुम फिक्र मत करो, मैं देख लेता हूँ। सुन, दवा दारू के लिए 2 पेटी भिजवा दे, अब रख रहा हूं। ए, ले गोविंद को बोल दे मैंने बुलाया है। बाप जी आ जाओ। नमस्ते भाई। अरे रे 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 रे, तकदीर कभी भी पलट सकती है। क्या दिन थे जब आप महलों में राज किया करते थे, और कहा आज इस पुराने मकान में दिन गुजार रहे हैं। कितनी बार कहा छोड़िए ये जगह को और मेरे पास आ जाइए, सलाइन की जगह शराब चढ़ाऊंगा। तू क्या सोच रहा है, कहाँ गुलामों की तरह रहता था, आज शहंशाहों की तरह बात कर रहा हूँ। ज्यादा नहीं बोल रहा तू? क्या बात है भैया, मिजाज कुछ गर्म है आपका। बता नरसिंह के इलाके में तू क्यों टांग अड़ाता है? तू उसके इलाके में धंधा मत कर, वो तेरे इलाके में नहीं आएगा। तुम दोनों की मांडवोली कराई थी ना, मेरी जुबान की कोई इज्जत नहीं है? अरे चुप। इलाका बांट दिया था, खुद को इस इलाके का पटवारी समझता है क्या? खुदा मेहरबान होता है तो गधा भी पहलवान हो जाता है, और किस्मत का साथ रहे ना तो गली का कुत्ता भी शेर हो जाता है। जब तक तुम्हारे सर पर ऊपर वाले का साया था, सीना तान के सर उठा के चलते थे। आज मालिक का करम मुझ पर है, ये सारा का सारा इलाका मेरी मुट्ठी में है। मेरा दिमाग घूम गया ना तो तुझे भी खत्म कर दूंगा। ऐसा बोल सकता हूँ लेकिन बोलूंगा नहीं। तुम्हारे बड़े एहसान है मुझ पर, तुम तो हमारे उस्ताद हो। तुम उस नरसिंह को समझा दो मेरे इलाके की तरफ आंख उठाने की जरूरत ना करे। अपनी औकात भूल गए हो इसलिए बकवास कर रहे हो। मैं भूल गया होता तो तुम्हें भी भुला दिया होता। घूर क्या रहे हो, तुमने फोन किया और मैं आ गया तुरंत ही, क्योंकि थोड़ी सी इज्जत है तुम्हारे लिए। अपनी इज्जत और जान को संभाल के रखो उस्ताद जी, अगर एक बार चली गई ना तो दोबारा नहीं मिलेगी। चल रे कृष्णा। क्या है ना कि हमारे उस्ताद जी बुढ़ा गए हैं। उस्ताद जी हर महीने आपको खर्चा पानी मिल जाया करेगा, मौज से रहो। ए, तुझे चौराहे पे लटका कर मारूंगा। क्यों भे, पैर कवर में लटक रहे हैं और तेरी हेकड़ी नहीं निकली? बाप जी से ऊंची आवाज में बात करता है। अरे तौबा तौबा, ये सिर्फ जिस्मानी तौर पर कमजोर है, दिमागी तौर पर इसका मुकाबला नहीं है। मेरे कहने पर जान भी दे सकता है और किसी की जान ले भी सकता है। अब खड़े खड़े देख क्या रहे हो, उस्ताद तो निपट लिए हैं। चलो जाओ दफनाओ इनको। चल रहे कृष्णा, अपना हाथ पोछ ले। ऑपरेशन सक्सेस, पेशेंट डेड। दूसरा पेशेंट ढूंढ लेना तुम लोग। शांति बहन, शांति बहन, शांति बहन, इस बार तुम्हारे बेटे ने खत में पूरा पता भी लिखा है। शांति बहन, शांति बहन अपने बेटे को ढूंढने शहर गई है। शहर गई है? ओह, आखिर इतने बड़े शहर में बिना पते के कैसे ढूंढेगी? ओ माँ, इस जगह आकर तो फंस गई मैं। अरे इतनी सारी गाड़ियाँ, अरे अरे मैं कैसे जाऊं उस पार? ओहो, हे भगवान, मेरा तो दम घुट रहा है यहाँ पर। भाई साहब जरा सुनिए तो, मेरे बेटे को कहीं देखा है आपने? कौन है तुम्हारा बेटा? पता नहीं तुम्हें, वो 6 फुट लंबा है, काली खूबसूरत आंखें, कितना सुंदर है मेरा बेटा। उसका कोई पता होता है? वो तो नहीं है भाई, उसने जितनी भी चिट्ठियाँ लिखी एक में भी पता नहीं है। बिना पते के तुम अपने बेटे को शहर में कैसे ढूंढोगी? वो काफी मन्नत मुरादों के बाद पैदा हुआ, मेरे लिए वो ऊपर वाले का आशीर्वाद है। मुझे बिना बताए ही शहर में आ गया, बस किसी तरह उसे फुसला कर गाँव वापस ले जाऊंगी। उसे ढूंढने में मेरी मदद कीजिए ना। नामुमकिन है बहन जी।
हे माँ, मेरे बेटे से मिलाने में मेरी मदद कर। डिस्टर्ब करे बे, गवार कहीं का। भैया नरसिंह पहलवान मारा गया। हाँ, मर गया। खोली दिलाने का वादा किया था उसने। मुंह बंद कर, अचानक कैसे मरा? वो अकेला ही था, उसे दौड़ा दौड़ा के काट डाला। पार्किंग परमिश नाम बता देना। अबे क्या बोल रहा है? हाँ भाई, बाप रे बाप, नरसिंह पहलवान कुछ काट डाला। अब तो उसके दीदार करने पड़ेंगे। पुलिस स्टेशन में है, कल जेल ले जाएंगे उसको। पप्पू चीरा, उस्मान कालिया, सुहेल साथी। अरे ये ढीले चढ़ क्या रहा है? फ्री का भंडारा है क्या? धक्का मुक्की कर रहा है? पहचानता है क्या? नागोबा सीधा रास्ता हूँ, मामूली समझा है क्या? सांप भी अपने से जहर लेके जाता है, राबटा दूं क्या? काली नाम है अपना। हाँ चल चल आगे बढ़। नागोबा भूल गया क्या? तू तो तिहाड़ जेल में था ना, इधर कब आया? अबे बकवास बंद कर, एक बात बता, तू तो ढूंढने से भी नहीं मिलता था हमें और आज खुद जेल में बंद होने के लिए आ गया। योगी को देखने आए। योगी को? हाँ बे, जिसने नरसिंह पहलवान को चीर दिया, आखिर देखना है वो है कौन? शहर के सारे गुंडे उसी को देखने आए। अच्छा, कब तक आ रहा है वो? सर, शहर के सारे गुंडे मवाली अपने जेल में आ गए हैं, भीड़ बहुत बढ़ गई है, क्या करूं? इतने सारे गुंडे कहां से आ गए? परमेश पार्किंग बोलते अपने को, अपन बाइक 3-5 करता है। अपन मस्तान अटेला। ए जल्दी जल्दी सबका इंट्रोडक्शन ले, देर हो रही है। हाँ भाई, फिलहाल जेल में हूँ, जैसे ही जेल से निकलूंगा आपका काम पटा दूंगा। बिल्कुल टेंशन मत लेना भाई, आपका काम पक्का हो जाएगा। ए, हम बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं, अगर जरा सी भी चूक हुई तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे। ए, चल जा यहाँ से, खतरा खतरा बोल के भेजने में मत जा, चल निकल। बेवकूफ कहीं का, अभी तेरी जरूरत है इसलिए चुप हूँ, चलो। सुपरिटेंडेंट साहब को अगर इसकी खबर हुई तो लफड़ा हो जाएगा सर, और मीडिया भी नहीं छोड़ेगी। मीडिया वालों की तो आदत ही है बकबक करना, ईमानदारी से काम करोगे तो वर्दी का तारा चमकेगा, किस्मत का तारा नहीं। अब दिमाग मत चाट, चाय मंगवा। तीनहाट नाका क्रॉसिंग ओवर। रेड अलर्ट ओवर। सर योगी जेल पहुंच रहा है। सारे के सारे कैदियों को फौरन सेल में डाल दो, एक भी बाहर नहीं दिखना चाहिए। फास्ट। सिक्योरिटी साहब ध्यान दे, सिक्योरिटी साहब ध्यान दे, सारे कैदियों को अपने अपने सेल में भेज दे। अन्ना कसम से भब्बर शेर वाली चाल है तुम्हारी। अन्ना अपना नाम नागोबा, अमीर लोगों को डसेंगे, बहुत माल इकट्ठा करेंगे, एक बार देख तो लो इधर। अन्ना अपुन का नाम काली है, आप अपुन को अपना छोटा भाई समझो। भाई अपना शहर में अच्छा हिसाब किताब है, खाली अपुन के सर पे हाथ रख दो तुम। We'll be right back.
तुझे यहाँ का सिस्टम पता है ना, झगड़ा खत्म होने के बाद पुलिस पहुँचती है, चल जा। ये बात नहीं है साहब, यहाँ लफड़ा हो रहा है, हमें सिक्योरिटी चाहिए। अरे क्यों फालतू में मेरा दिमाग खराब कर रहा है, चल जा यहाँ से। जेल में कैदी सुधरने के लिए आते हैं, पर तुम ऐसा होने नहीं देते। साहब साहब, मैं भी ऑफिसर हूँ, अगर ऐसा करेंगे तो आपको कोर्ट में घसीट दूंगा। अच्छा, तो इसे कैदियों के कपड़े पहना दो, हम इसे कोर्ट में घसीटेंगे। योगी को लेके आओ। तो योगी, तुमसे मिलने यहाँ शहर के सारे नामी गुंडे आए, पर तुम्हारा कोई अपना नहीं आया, क्या तुम बिल्कुल अकेले हो? गलती से आपसे कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अब इस शहर में इंसान और गाड़ियों की रफ्तार एक जैसी है। अरे ये क्या, ओ बेटी रुकना। जर्नलिज्म का मतलब कुछ तड़कता भड़कता होना चाहिए। एग्जांपल, मेरी बीबी मुझे मारती है, ये कोई न्यूज नहीं है। अगर मैं बीबी को मारता हूँ तो ये न्यूज बनती है। सर सर, एक धमाकेदार न्यूज है सर, ये देखिए मैंने शूट की है। उस नर्सिंग पहलवान का छोटा भाई सारे शहर में दंगे करवा रहा है, ये देखिए। पूरा का पूरा शहर जलाकर राख कर दो। मेरे भाई की चिता जलाकर आया हूँ, अब इस शहर को चलाऊंगा। काफी इंटरेस्टिंग है। किसी को नहीं छोड़ना। भाई, वो छोकरी विवेकानंद कॉलेज में है। शाबाश, यही सब तो जर्नलिज्म है। तुमने प्रोजेक्ट के लिए अच्छा सब्जेक्ट उठाया। शुक्रिया सर। हेलो, सुरेंद्र, सुरेंद्र नाम है मेरा। नाम सुना जैसा लगता है। सुना ही होगा,
इस शहर पर राज जो करता हूँ। वो लड़की जो वीडियो लेकर आई है, अगर वो वीडियो पब्लिक में आया तो फिर इतना समझ ले, तुझे पब्लिक के लिए चलाऊंगा मैं। अपना और मेरा बीपी मत बढ़ाओ, मैं सब संभाल लूंगा। ओके सर, अब तो मुझे प्रैक्टिकल में पूरे मार्क्स मिलेंगे ना, और अब तो मैं एक अच्छी रिपोर्टर बन सकती हूँ। देखो, तुम्हारी न्यूज में सेंसेशन था, लेकिन वो जो फोन आया था वो सर, क्या मतलब है आपका? वही सब दंगे फसाद रोज टीवी में देख कर थक गए, इसमें नया क्या है? आई वॉन्ट समथिंग सेंसेशनल। खड़ूस कहीं का, देखना एक ना एक दिन तेरी बीवी तेरी सेंसेशनल न्यूज बनाएगी। किसे अगोश रही थी? प्रिंसिपल को ना? अरे नहीं, मैं तो उन्हें दुआएं दे रही थी। झूठ बोल रही है, तुमने उसे कोसा? मैंने देखा, कोसो और कोसो। बुड्ढे ने नाक में दम कर रखा है, पीने भी नहीं देता है। तू क्या शराब पी के कॉलेज आया है? मैं कॉलेज में शराब पी के नहीं आता, बल्कि कॉलेज में आके पीता हूँ। अरे बेटी रुकना 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 जरा, सुबह मैं आवाज देती रही पर तुम चली गई और उसने मुझे अंदर आने नहीं दिया। अंदर आओ अंदर। तुम्हारे पास मेरे बेटे की तस्वीर रह गई है। क्या कहा, आपके बेटे की तस्वीर मेरे पास? हाँ बेटी, जरा अपनी किताब में देखो। अच्छा मैं देखती हूँ। अनजाने में मैं सुबह आपसे टकरा गई थी, तो बुक्स उठाते वक्त गलती से शायद मेरे पास आ गई होगी। ये देखिए, यही है। हाँ, अरे छतरी इधर करो, इधर करो। हाँ मेरा लाल। कहाँ जाना है आपको? इस तेज बारिश से पूछोगी कब तक बरसेगी तो क्या जवाब मिलेगा तुम्हें? मेरे हालात कुछ इसी तरह से हैं बेटी, मैं अपने बेटे को ढूंढने आई हूँ। आप नहीं जानते आपका बेटा कहाँ रहता है? नहीं मालूम, किसी तरह ढूंढ लूंगी। पर माँ जी, बिना पते के आप अपने बेटे को कैसे ढूंढेंगी? आप कहें तो मैं बस स्टॉप छोड़ देती हूँ, आप वहाँ से गाँव चली जाइए। नहीं जाऊँगी, मैं अपने बेटे को लिए बगैर इस शहर से नहीं जाऊँगी। लेकिन अरे माँ जी, इस शहर में बिना पते के आप अपने बेटे को नहीं ढूंढ सकती हैं। सब कहते थे मुझे औलाद कभी नहीं होगी, लेकिन हुई ना। इसी तरह सब कह रहे हैं नहीं मिलेगा, पर वो मिलेगा। ठीक है माँ जी, जब बारिश थम जाएगी तब चली जाना, फिलहाल तो आप मेरे साथ चलिए। ऑटो, आपने कहा आपका बेटा गांव से यहाँ आया है, किस गांव से हैं आप लोग? रायलसीमा। हमारा गांव का नाम बेलापुर है, कर्नूल के बगल में। वैसे आपके बेटे का नाम क्या है? प्रसाद, ईश्वर प्रसाद। आपसे विनती करता हूँ, हमारे इस गांव पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। बेटा प्रसाद, प्रसाद। अब याद आई अपने बेटे की, आओ दिखाता हूँ तुम्हें। बेटा रुक जा। बेटा मैं नहीं रुकूंगा, पूरे गांव ने मेरा नाच देखा लेकिन आप वहाँ पर नहीं आई, और अब बेटा बेटा कर रही हो। मैं नहीं रुकूंगा। अरे मेरे लाल सुन, तेरे पीछे भाग सकती हूँ लेकिन पेड़ पर नहीं चढ़ पाऊंगी, चल उतर नीचे आ जा। तुम्हें चढ़ने की जरूरत नहीं है और मैं उतरने वाला नहीं हूँ, तुम जाओ यहाँ से। अरे बेटा तेरे पिताजी की दवा लाने गई थी, पता है ना वो अकेले हैं, अब आ जा। अच्छा तो फिर आप घर ही जाइए। तो किस तरह नीचे आएगा जानती हूँ। अच्छा तो अब आप क्या नाचेंगी, और आपके नाचने से क्या मैं उतर जाऊंगा? अच्छा मैंने तुझे अपनी कोख में 9 महीने रखा है, तेरी चालबाजी नहीं चलेगी। बचपन से देख रहा हूँ आपको माँ, पिताजी घर पे इंतजार कर रहे होंगे, जाओ। तो ये बात है, नीचे आ जा मेरा बच्चा। नहीं आएगा? नाचो ना माँ। अब और नहीं नाच सकती। मेरे साथ नाचो ना माँ।
माँ अब घर चलते हैं, पिताजी इंतजार कर रहे होंगे। बेटा अब तो तू गुस्सा नहीं है ना? आपसे कैसे नाराज हो सकता हूँ माँ, आप तो मेरी जिंदगी हो। तू ही मेरी जिंदगी है, मुझसे दूर मत होना। सुनिए राम मोहन जी का घर कहाँ है? सीधे जाके बाएं मुड़िए, तीसरा मकान है। धन्यवाद। और राम मोहन क्या हाल है? अच्छा, बड़े दिनों बाद हमारी याद आई। आज के लिए इतना ही काफी है, अब जाओ। अब तुम्हारी तबीयत ही ठीक नहीं रहती तो फिर ये सब क्यों करते हो? ना करूं तो घर कैसे चलेगा? देखो राम मोहन, अब तुम्हारी उम्र हो गई है, इतना काम तुमसे नहीं होगा। तुम्हारा बेटा भी जवान हो गया है, कुछ काम उसे भी सौंप दो। क्या जवान हो गया है, उसकी माँ ने बिगाड़ रखा है, अपने हाथ से खाना खिलाती है। अरे उसे बच्चा मत कहो, वहाँ शिव मंदिर में जाकर देखो क्या नाच रहा है वो। मेले में नाच रहा है? हाँ भाई, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, वो तो तुमसे भी उम्दा कलाकार है। किस काम का ये नाच गाना, मुझ जैसे कलाकार को इस गांव में कौन नहीं जानता। लेकिन क्या फायदा, देखो इनाम में जीते हुए कप और तस्वीरें हैं। उसे कई बार समझाया कि नाच गाने में कुछ नहीं रखा है, कोई अच्छी सी नौकरी कर ले, लेकिन मेरी बात को हवा में उड़ा देता है। आने दो उसे। अरे बेटा इतनी भी क्या जल्दी, रुक तो सही। अब क्या हुआ? तेरे पिताजी को कोई ना कोई बहाना देना होगा, कुछ सोचने दे। हाँ सोचिए। सुन, तू अपने वक्त का मशहूर कलाकार हुआ करता था ना? अरे अब वो बात कहाँ रही मुझ में। मेरे घर में तुझसे भी बड़ा कलाकार है, आ दिखाता हूँ तुझे। वो देख सामने। क्या माँ, कुछ आइडिया आया? सोचने तो दे, नौकरी ढूंढने जा रहा हूँ बोलकर तू मेले में नाच रहा था, उन्हें पता चला तो तेरा गला दबा देंगे। हाँ अच्छा सुन, कहना ये दवाई तू लेकर आया तो गुस्सा नहीं होंगे। हाँ ये आइडिया अच्छा है, आप आगे जाओ, मैं पीछे पीछे आता हूँ। मेरा लाल, भगवान करे तुझे किसी की नजर ना लगे। अरे यार अभी तक तो भाभी साथ आ रही थी, लेकिन अब अकेली आ रही है। बस तू देखता जा, असली नाटक तो अब शुरू होने वाला है। प्रसाद तू वापस आया क्या? देखो। अरे भाई साहब आप कब आए, और सब ठीक तो है? क्यों जी प्रसाद अब तक घर नहीं आया? वो तुम्हारे साथ नहीं था? मेरे साथ क्यों होगा, मैंने तो उसे कल रात से नहीं देखा। आप तो कुछ भी बोलते रहते हैं। आप खड़े क्यों हैं भाई साहब, बैठिए ना। असल में बात ये है भाई साहब, वो अपने पिता से बहुत प्यार भी करता है और डरता भी है। देखो तुम्हारा रोल खत्म हो गया। अब तो तुम्हारे बेटे की बारी है। पिताजी, पिताजी। लो आ गया वो। अब देख पिताजी मैं। खबरदार रुक जा वहीं पर, रात से गायब है, तू कहाँ गया था? सच सच बता वरना तेरे हाथ पर तोड़ कर रख दूंगी नालायक। मैं अस्पताल गया था माँ। हाँ अस्पताल गया था, क्यों गया था? पिताजी की दवाइयाँ खत्म हो गई थी तो मैं सुबह उठते ही चला गया था, डॉक्टर नहीं था तो अस्पताल में मैं उसके आने का इंतजार कर रहा था। आते उसने दवा लिखी तो मैं दवाई लेकर आ गया। अरे मेरा बेटा अपने पिताजी का कितना ख्याल है, जा उन्हें दवाई अपने हाथों से देना। जी ठीक है माँ। अरे बाप रे ये लीजिए आपकी दवाई। अरे ओ शांति बहन, अस्पताल में तुम दवाई लेने आई पर पर्ची वहीं पर भूल आई, डॉक्टर साहब ने कहा कि तुम्हें दे दूं। चल अब दफा हो। बेटे तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती, अगर तुम कोई नौकरी करो तो इन्हें मदद मिलेगी ना। भाई साहब जिस काम से आए थे वो हो गया ना? ऐसे ही तुमने इसे बिगाड़ा है और अब ये नकारा बन चुका है। ओहो तो क्या गांव के बाकी लड़के इंजीनियर बन गए? चुप रहो। सब ठीक हो जाएगा, आप ठीक हो जाएंगे, लेट जाइए आराम कीजिए, तबीयत खराब है तो चिल्लाते क्यों हैं? ये सब तेरी वजह से। माँ आप अंदर जाइए। हाँ हाँ अंदर जाइए ना, तू दवाइयाँ दे देना और आप भी जाइए यहाँ से। पिताजी ये दवाई ले लीजिए। सुन बेटा। जी पिताजी। बेटा तुझे नौकरी करने को कहता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तेरे पैसे चाहिए, तेरी माँ बड़ी मासूम है बेटा, तेरी माँ ने तुझे अपनी कोख में 9 महीने तक रखा है, तू 22 साल का है और आज भी तेरी माँ तुझे एक छोटे बच्चे की तरह बड़े नाजों से तुझे पाल पोस रही है। मेरे मरने के बाद बेटे की तरह नहीं पिता की तरह ख्याल रखना। ये बेकार की बातें क्यों कर रहे हैं आप, आपको कुछ नहीं होगा पिताजी, मैं आप दोनों का अच्छे से ख्याल रखूंगा पिताजी। अगले महीने हमारे गांव में एक मिल खुलने वाली है, मैं पक्का उसमें नौकरी कर लूंगा, अब तो आप खुश है ना? थी 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 थी। जब से मैं गया हूँ गाँव के हालात ही बिगड़ गए हैं, पुअर पीपल एवरीवेयर। अरे बाचा
तौबा तौबा तौबा, मासूम बच्चे को ऐसे कोई मारता है क्या? गांव में कदम रखते ही कोई ईटा फेंक के मार। अरे कुछ भी नहीं हुआ, कितनी उंगलियां हैं? तो आठ है। अरे बता ना। अच्छा बेटा, शहर में क्या करते हो? मैं बिजनेस टाइकून हूँ, व्यापार करता हूँ। किस चीज का? कटिंग का बिजनेस, कटिंग कटिंग। बादशाह के रहते हुए लोग इतना वजन उठाए, अब बहुत हल्का कर लेता हूँ। संभल कर खाओ बेटी, कपड़े पर मत गिराना। सोना महंगा हो गया है इसलिए सेफ नहीं है, मेरे पास सेफ रहेगा। तो बेटा तुम बिजनेस किस जगह करते हो? भीड़ भड़क के वाले एरिया में, ज्यादा लोग जब रहते हैं तो मेरा बिजनेस अच्छा चलता है। अरे किसी ने मेरी बेटी की चेन चुरा ली। अरे बाप रे, मेरा पर्स, मेरा बैग कहाँ गया? सब मेरे पास है। छोटे लोगों के फोटो तो बस उनके घरों में ही होते हैं, मेरे साथ ऐसा नहीं है। बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन में, यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन में मेरा फोटो दिख जाएगा। बच्चा तेरा जवाब नहीं। तुम वहाँ का जेवर लेकर भागा था तो पहले वो दुखी हुई, बाद में बहुत खुश हो गई थी। पहले दुखी और बाद में खुश क्यों हुई? जेवर खोकर दुखी हुई थी, तुमसे छुटकारा पाकर खुश हो गई। ये तो नुकसान हो गया। अगर मुझे इस बात की पहले खबर होती तो मैं अपनी माँ के लिए नेकलेस कभी नहीं लाता। अरे वाह, शहर में इतना पैसा है। आ जा, तू भी कमाएगा। हाँ लेकिन माँ पिताजी का ख्याल कौन रखेगा फिर? देख दोस्त, जब जेब में नोट होती है ना तो सब कुछ अपने आप संभल जाता है। तू मेरा जिगरी दोस्त है, तेरी माँ मेरी माँ जैसी है, इसलिए बोल रहा हूँ। तू ये गाँव छोड़कर शहर आ जा। शहर पहुँच के शिव मंदिर के पास किसी से भी पूछ लेना बादशाह भाई का घर किधर है। क्या पूछेगा? बादशाह भाई का घर किधर है? हाँ। स्वैग से स्वागत हो जाएगा तुम्हारा। हाँ। आते ही काम शुरू और पैसा ही पैसा। मैं माँ से पूछ लूँ, वो कह देगी तो आ जाऊंगा। ये क्या, शहर आने के बाद से ही मातम छा गया? मैयत में भी सिर्फ चार ही लोग हैं, कौन है ये? रतनराज, पूरी जिंदगी लोगों पर जुल्म किया, अब मरा तो कांधा देने भी कोई नहीं आया। प्रसाद, प्रसाद। आमा, मंदिर के पास जो साधु जी रहते थे वो चल बसे, तू उनके दर्शन कर ले। अरे वो तो पाखंडी था, मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं कहते, किसी की खुशी में ना जाओ तो कोई बात नहीं, पर गम में जरूर जाना चाहिए। जब हम जिंदा होते हैं तो कितनी मुश्किलों से गुजरते हैं, और मरने के बाद दुख दर्द सब खत्म हो जाते हैं। किसी की लाश दिखे तो हाथ जोड़ने चाहिए, और हो सके तो अंतिम संस्कार में भी शामिल होना चाहिए। मैं आता हूँ, सुनो मैं भी कंधा दूंगा। क्या भाई, इतना पैसा है तुम्हारे पास, एक माला तो डाल देते, अंतिम संस्कार में इतनी कंजूसी, पिताजी हैं तुम्हारे। अरे अरे अरे, क्या हो रहा है आपको? आराम से ले जाइए, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, मैं प्रसाद को बुलाती हूँ, ले जाइए, अब सब ठीक हो जाएगा, आप घबराइए मत। ए प्रसाद, माँ, माँ, बेचारा रतनराज मर गया, उसकी मैयत में कोई आया नहीं था लेकिन मैं गया। रास्ते में पंडित जी मिल गए थे, काशी से गंगा जल लाए थे, उन्होंने कहा कि पिताजी को पिलाओ, उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। पिताजी, पिताजी मुंह खोलिए। पिताजी, माँ, पिताजी, ये क्या, तुम यहाँ हो? वहां तुम्हारी माँ का न जाने क्या हाल हो रहा है। क्या हुआ उन्हें? बेचारी सबके सुख दुख में सबसे पहले खड़ी होती थी। ये सब क्या हो रहा है? देखो कितना खून निकल रहा है इनके हाथ से। ये रीति रिवाज है। अरे कैसा रीति रिवाज, ये सब ढोंग है, कोई जरूरत नहीं है, मैं ये सब नहीं मानता। प्रसाद बेटा, ऐसा नहीं कहते। माँ तेरी आंखों में आंसू नहीं देखे जाते मुझसे,
तेरे हाथ से निकलता खून कैसे देखूं? मां, मैं अभी आया। अरे कहां जा रहा है? काका, ये पैसे रखिए और वो कंगन दे दीजिए। बेटा, इन पैसों से ये कंगन नहीं आएंगे, ये सोने के हैं। मैं नहीं जानता, मुझे माँ के लिए कंगन चाहिए। अरे, बाकी पैसे बाद में दे दूंगा। बेटा, माँ, माँ, ये देख मैं क्या लाया हूँ। अरे क्या है ये? ये कंगन है माँ, ये कभी नहीं टूटेंगे। इन्हें कहाँ से लाया? मेरी दुकान से लेके भागा है। पैसे दे दूंगा माँ। शांति बहन, इसे किसी और ने खास तौर पे बनवाया है, ये जबरदस्ती उठा लाया। कहा ना, मैं बाद में दे दूंगा पैसे। चुप हो जा। अरे गांव से थोड़ी भागा जा। अंदर जा, कह रही हूँ ना, जा। माफ करना भाई, मुझे तकलीफ में नहीं देख सकता, इसलिए इसने ऐसी हरकत की। ये लो अपनी अमानत। कहाँ गया? अरे मैं उसे अच्छी तरह से। भाई साहब, आपने प्रसाद को कहीं देखा? नहीं माँ जी, नहीं देखा। बेटा प्रसाद। पिताजी, ऐसे वक्त जाया मत करो, कुछ काम करो, बैठे मत रहो। पता नहीं कहाँ गया। इस गांव में रहेगा ना तो जिंदगी भर बेरोजगारी रहेगा, और अगर शहर आएगा तो माँ के लिए सोने के कंगन भी खरीद लेगा। प्रसाद, अरे कहाँ है? अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? वापस आ जा। बेटा मत जा। और अब पता नहीं मेरा बेटा यहाँ किन हालात में होगा। अब जाती हूँ बेटी। अरे कहाँ जाएंगी आप? इतने बड़े शहर में ढूंढना इतना आसान नहीं है माँ जी, आपको काफी वक्त लग सकता है, और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने का भी कोई फायदा नहीं। अब आप फिक्र मत कीजिए, मैं मदद करूंगी। चाय लाती हूँ। इतने बड़े मकान में तुम अकेली रहती हो बेटी? नहीं माँ जी, मैं अपने एक अंकल के साथ रहती हूँ। तो वो कहाँ है? वो बहुत मनमौजी किस्म के हैं, कहीं घूम फिर रहे होंगे। तौबा तौबा, निकाह भी नहीं होगा क्या? अनपढ़ कहीं का, इसका खुद का भविष्य बताया जो दूसरे का बता रहा है। अरे इसने तेरा शक्ल देख के भविष्य बताया। इससे अच्छा भविष्य तो तोते बताते हैं। ये नल्ला मशीन है, टोपा दे रहा था कि मुझे पानी से खतरा है। अल्लाह, रैबिट बोला खतरा होएगा तो होएगा। बोल तो ऐसा रहा है जैसे कि मैं समुद्र का लुटेरा हूँ, खजाना लूटने जाऊंगा और वहीं डूब जाऊंगा। हैदराबाद में चार मीनार है, एक पकड़ के बैठ जाऊंगा। सर पैसा। सोचा था ये रॉबर्ट कोई लॉटरी का नंबर बताएगा, इसके तो खुद के वांदे मैं पैसा देने वाला था कि नहीं ये पूछ। चल पूछ। चोर बाजार से पत्रा उठा के उसमें रिकॉर्डेड टेप रिकॉर्डर लगा के हमको सुनाते हो? आप फूटी कौड़ी नहीं दे सकते। गलत जवाब, मैं देना ही नहीं चाहता। चूहे की तरह किसी ने आपका जेब कुतर लिया है सर। ऐसा कट गई, उसमें 1000 की पुरानी नोट थी। अरे आपका नसीब ही बदनसीब है, चलो जाओ जाओ। अच्छा ठीक है। क्या सच में मुझे पानी से खतरा है? बोला ना बदनसीबे। नसीबे झंडू तो क्या करेगा पांडू। जिंगूर 1000 बोला था, इसमें तो 800 है, 200 बाद में लूंगा। मैं खुद एक खतरा, मुझे क्या खतरा होगा? पानी से खतरा मतलब धोना छोड़ दूं? माना कि पानी से खतरा है, लेकिन एक बार उंगली करना तो बनता है। ठंडा है, उंगली डाली थी, अब पैर डाल लेता हूँ। तू मुझे क्या डुबाएगा, तू तो खुद मेरे कदमों में पड़ा है। ना दिन दिन धंधा, 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 ना दिन दिन। ऐसे पानी में डांस क्यों कर रहा है? रोड है सरकार की, टैक्स में भरता हूँ, मैं नाचू चाहे गाऊं। यहाँ तो अपने बाप की कबर बनाएगा, जबरदस्ती का ज्ञान दे रहा है। मेरा बोल के हो गया, अब तू बोल। नीचे देख, मालूम है पानी है। ओए नीचे देख। अबे कितनी बार पानी से खतरा था, सोचा था छोटे मोटे छींटे आएंगे, इतनी बड़ी सुनामी आएगी ये नहीं सोचा था। अबे तुझे पता है 42 साल का खुला सांड हो गया हूँ, पर अब तक किसी लड़की ने शादी के लिए मुझे घास नहीं डाले। आज जब किसी को देखने जा रहा था तो तूने मुहूर्त ही खराब कर दी। भाई योगी जेल से छूटने वाला है, उसकी बेल हो गई है, वो गोविंद ने कराई है। आने दो,
उसने मेरे भाई को जो मौत दी थी उससे बदतर मौत दूंगा। भाई उसके मामले में ना पड़ो तो अच्छा है, उसका फटका खा के आदमी पानी नहीं मांगता। जेल में उसने जितनों को तोड़ा है उसमें से आधे अभी भी बेहोश हैं। उसे मारना ही मेरे जीने की वजह है, खत्म काटूंगा। कौन हो तुम लोग? दीदी नहीं है क्या? वो अंदर है, क्या काम है? इंक्वायरी बाद में कीजिए, पहले कुछ खाने को दीजिए। हाँ? बड़ों से ऐसी बातें नहीं करते। ये लो, ये दीदी, ये कौन है? जैसे मैं तुम्हारी दीदी हूँ वो मेरी आंटी है, अब से यही रहेंगी तुम लोगों का ख्याल रखने के लिए। हाँ? अब तुम लोग ठीक है दीदी, अभी हम जा रहे हैं, उन्हें हमारे बारे में बता देना कि टाइम टाइम पे चॉकलेट देती रहे। आंटी अपने बेटे की तस्वीर दीजिए, प्रिंटिंग में देनी है। अच्छा सुनो बेटी, कहीं कीचड़ में लोटपोट होकर तुम्हारे अंकल यहाँ आए हैं, नहाने को कहो। ये क्या हाल बनाया हुआ है? लाल मशीन ने कहा था पानी से खतरा, मुझे लगा था हल्की फुल्की बूंदा बांदी होगी, लेकिन सुनामी थी। किसी ने धुलाई की आपकी? धुलाई नहीं बल्कि चुल्लू भर पानी में दबा के कुटाई की मेरी। कोई बात नहीं, जाकर नहा लीजिए। नहीं, नहीं नहीं नहीं, पानी से पंगा नहीं। अभी ना सुनना, तेरे पास कोई बढ़िया इत्र हो तो देना, बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही। आई हैव वाटर फियर, समझो ना डियर। ये लो बेटी, मेरे बेटे की तस्वीर। ये तो बहुत खूबसूरत है। हाँ। आप मुझे अपनी बहू बनाएंगी? हाँ? तुम्हारे लायक नहीं है। क्यों? ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। पढ़ाई का शादी से क्या मतलब? पता नहीं कहाँ होंगे ये जनाब। ये मुझे यहाँ क्यों लाई? वो हीरो जेल से रिहा हो रहा है ना, उसी के लिए आई हूँ। ए, अरे हटो, अरे भीड़ मत करो। सर, मुझे आपका सुना नहीं कहीं जेल से अभी बाहर आया, कुछ भी मत बोलो, जाओ यहाँ से, हटो, सुनो, तुम इनकी तरफ ध्यान मत दो, चलो, चलो, आओ, बैठो, तुम भी बैठो। एक न एक दिन तुम्हारा इंटरव्यू लेकर ही रहूँगी। ये तस्वीर किसकी है? वो शांति जी है ना, उन्हीं का बेटा है। मुझे किसी भी हाल में इसे ढूंढना है, क्या करूँ? यही एक तस्वीर है मेरे पास। इतनी पुरानी तस्वीर से कैसे ढूंढोगी? अगर दिल में शिद्दत हो ना तो समंदर में से मोती भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अब हमें कहाँ जाना है? गोविंद के पास। कौन गोविंद और क्या बुलाया है? अरे कृष्णा। हाँ बाबूजी। जश्न की तैयारी जोरदार हो रही है ना? सब इंतजाम हो गया। अरे वाह, और वो नाचने वाली आई कि नहीं? वो भी आ गई है। कहाँ है बाबूजी? योगी आया है। अरे आओ बेटा आओ। तुम्हारे जेल से रिहा होने की खुशी में जोरदार जश्न का इंतजाम किया है। अरे मेरी कमर। कलेजा ठंडा करो। पहले बताइए कि बुलाया क्यों है? ऐसा है, सुबह से लेकर शाम तलक इन गाय भैंसों और लकड़ बग्घों को देख देख कर मैं बोर हो गया हूँ, इसीलिए एक शेर को साथ रखना चाहता हूँ। क्या है ना कि मेरी जायज और नाजायज करीब 10 फैमिली है, 6-7 बीवियां हैं और करीब दर्जन भर बच्चे, और भी बहुत कुछ है। इन सबको मेंटेन करना जरा मुश्किल हो रहा है। वैसे भी आजकल कमर भी साथ नहीं दे रही है मेरी। ऐसी हालत में मुझे एक शेर की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो अगर तुम मेरे साथ रहो तो। काम क्या करना होगा? रियल इस्टेट, जगह पर कब्जा है तो उसे खाली करवाओ और खाली है तो उस पर कब्जा करो, बस यही काम है। बाबूजी, वो लड़की जाने का कह रही है, क्या करूं? 1 मिनट, वो डांसर छोकरी जाने को कह रही है, इसके लिए एक रात रोक लें क्या? चुप करो, ये सीधा साधा है, इसे ऐसी आदतें मत लगाओ। अरे हटा, दिखने में तो सब शुरू में दूध के धुले होते हैं लेकिन धीरे धीरे सब पता चलता है। वैसे तुम ठीक ही कह रहे हो, बच्चा अभी पूरी तरह बिगड़ा नहीं है। अरे तुम एक काम करो, उसे छोड़ दो, हमारी कमर भी तो साथ नहीं दे रही है, जाने दो उसे। ठीक है बाबूजी। हाँ तो बेटा, क्या सोचा तुमने? मुझे किसी की नौकरी नहीं करनी, मेरा एक ही मकसद है, अपनी माँ की देखभाल करना, मुझे अपने गाँव जाना है। देखो, तुम्हें जमीन पे बाहर लाए हैं हम, ये केस खत्म होने तक तुम हैदराबाद छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। मैं या तो अपनी माँ के पास रहूंगा या फिर अपने चाचा के पास, पर यहाँ नहीं रहूंगा। चलो चाचा। ये हीरो किधर जा रहा है? ये आप उनके भाई की सल्तनत है, इधर आदमी भाई की मर्जी से आते हैं और जाता भी भाई की मर्जी से, समझा गया? हट जा। तेरे समझ में नहीं आया क्या?
चलिए जाजा। बाबजी इसका काम भारी हो गया। एक चोट में काम तमाम। सलाम भाई। आज क्या हो गया इनको? इन्हें क्या हो गया चाचा? ये सलाम क्यों कर रहे हैं मुझे? क्यों नहीं करेंगे? कल तक तो तू एक मामूली इंसान था, लेकिन आज तू एक सुपरस्टार बन गया है। क्या मतलब? देख ऐसा है, कुछ लोग राजनीति में नाम कमाते हैं, कोई फिल्मों में काम करके नाम कमा लेते हैं, लेकिन कोई गुंडागर्दी में भी नाम कमा लेते हैं। बस एक बार गुंडे की छाप आप पर पड़ गई, बस फिर क्या है? तो असल में क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरे नाम से कई लोगों ने लूटना भी शुरू कर दिया होगा। सुनो भाई, मैं कब्जा करने वाला गणेश बोल रहा हूँ। वो चार बंगले वाले प्लॉट का कब्जा हो गया है, बाउंड्री खींच दिया है, कोई टेंशन नहीं है। अब इस नई जगह पे कब्जा करने आया हूँ। ए भाई क्या चल रहा है यहाँ पे? फाउंडेशन डाल रहा हूँ दादा। लेकिन ये जगह तो तूने मुझे बेची थी। जगह आपको बेची है दादा, बिल्डिंग में आपने बनाऊंगा। ये देखो ब्रोशर। गणिया भाई एक जरूरी बात करनी है आपसे। अरे थाम ना बाबा, मालिक से बात कर रहा हूँ ना। देखा, ये मानता है जगह का मालिक मैं ही हूँ। मालिक तुम हो दादा, पर घर कस्टमर्स के। अरे गणिया भाई मेरी बात तो सुन ले एक बार। हमारी बात चल रही है, तू बीच में चोंच क्यों मार रहा है? अरे भाई इस जगह का असली मालिक मैं ही हूँ। ये क्या माज रहा है? पता नहीं क्या, हैदराबाद में जगह एक शख्स की नहीं होती, तीन चार वारिस होते हैं। जो लग बाय चांस हो गया उसकी खुल गई लॉटरी। ए शाणे, शाण बत्ती किया ना तो हाथ पैर तोड़ के इधर ही गाड़ देगा। अरे मामू गरम मत हो, मामला मैं अभी सेटल करता हूँ। हेलो गणेश बोल रहा हूँ, छोटा सा मैटर हो गया, फोन योगी भाई को देना। कौन है ये योगी? थामा दादा बताता हूँ। हेलो योगी भाई, मैं कब्जे वाला गणेश। ये दादा कह रहे थे कौन योगी? एक मिनट भाई, वो नरसिंह पहलवान को काटा था ना, वही योगी। भाई ब्रोशर दिखा के जिस जगह के फ्लैट बेचे थे ना, उस जगह के दो मालिक आए हैं दावा करने। दोनों ही दावा करते प्लॉट उनका है, और भाई उनका एक चमचा तो कह रहा है कि आपकी समाधि यहीं बनाएगा। हाँ एक मिनट उसी को देता हूँ, ले भाई से खुद ही बात कर ले। हेलो, अरे आ रहा हूँ ना थोड़ी देर में। हाँ खाना बना के रख तू, ठीक है क्या? सांभर बनाया क्या? देखा योगी भाई, जैसे दो तीन और पैदा हो जाए अपन दुनिया में कब्जा कर लेगा। कब्जे वाला गणेश बोल रहा हूँ। अरे परवेश सिकना, एक बढ़िया जगह मिली है। क्या खबर सुनाई है? वास्तु अच्छा है, बंबू डाल कब्जा कर ले, जल्दी आ जा, ब्रोशर बनवा लेते हैं। वहाँ से ही टिकट ले। अंजलि तेरा भाई गुंडों को बुलाकर तेरे बॉयफ्रेंड को पिटवा रहा है। अबे तेरी तो अब उनके दोस्त की बहन को छेड़ता है। तोड़, इसने मेरी बहन को छेड़ा, तोड़ इसे, छोड़ ना। ऐसी ड्रेस में मेरा भाई मुझे देखेगा तो मुझे भी मारेगा। बिंदी दे रहे, अब ठीक है ना? थोड़ेगा डिजाइन बदल देगा। उसे क्यों मार रहे हो? आ गए पंचायती, अब उनके दोस्त की बहन को छेड़ा इसने, इसलिए तोड़ डाला। छेड़ा नहीं है, वो मुझसे प्यार करती है। चुप, ये झूठ बोल रहा है भाई। मेरी बहन ये सब चक्कर में पड़ती ही नहीं है। एक बार घर पर हम लोग टीवी में लव स्टोरी देख रहे थे तो उसे इतना गुस्सा आया कि उसने टीवी उठाकर बाहर फेंक दिया। क्यों बहन, क्या ये सच है? सच है। मैं झूठ बोलता ही नहीं। जो मेरा भाई बोल रहा है वो नहीं, इसने जो कहा वो सच है। ए, ये क्या है, तेरी बहन तो सुक्का बल्टी मार रही है। सुनो आ? बहुत हो गया तमाशा, अब दफा हो जाओ। ए, अपने से वाकिफ नहीं है क्या? थू, काला धंधा करने वाला काली। और मैं कौन हूँ पता है? मैं योगी की गर्लफ्रेंड हूँ। अरे पहले बताना था ना भाभी, मैं पोर्टेबल एसी साथ में लेके आता। भाभी योगी भाई से कहना काली ने काले धंधे पे ताला लगा डाला। हाँ, और साथ ही तुम्हारी हरकत भी। अरे मैं तो संन्यास लेने जा रहा था, ये लोग जबरदस्ती मुझे यहाँ ले आए। ए मेरी धोती निकाल और गले में माला डाल, मैं चला हिमालय। अच्छा हुआ तुमने आखिरी वक्त पर झूठ बोला कि तुम योगी की गर्लफ्रेंड हो, इस वजह से अंजलि आज बच गई। क्यों भला, क्या ये हकीकत नहीं हो सकती? हाँ ये क्या कह रही हो? सच कह रही हूँ। कौन चाहिए? नंदनी, मैं हूँ नंदनी का मामा। Where is Nandu? Second floor पे. Okay. खुले में पीना ठीक नहीं, टॉयलेट में जाता हूँ। Yeah. ये कॉलेज में पीने के लिए एक बेंच भी नहीं है, टॉयलेट में आके पीना पड़ता है। बाथरूम में क्या कर रहे थे? प्रिंसिपल होके इतना भी नहीं मालूम बाथरूम में क्या करते हैं? मुझे बताने की कोशिश मत करो, बड़े बड़े फैसले जिंदगी के बाथरूम में ही लिए जाते हैं बेवकूफ। सर जी मैंने जिंदगी में एक ही गलत फैसला लिया है। जरूर वो फैसला तुमने नशे की हालत में लिया होगा। चलो अब गाड़ी निकालो।
अल्कोहल की बदबू, लगता है फिनाइल महंगा हो गया है। अम्मा जल गई, अम्मा जल गई, जल गई, जल गई, जल गई, जल गई। अरे इस तरह से क्यों चिल्ला रही हो? अरे जगत की सिस्टर, चिल्लाओ नहीं तो और क्या करूँ, जली है आ तो निकलेगी। तो क्या हुआ? अरे तुम डॉक्टर को बुलाओ। अरे संयम रखो, आ जाएंगे। ऐसी आग लगी कि फफूंदे निकल गए हैं। कब आएगा तुम्हारा ये डॉक्टर? हाय, हेलो, हाय जूली, कैसी हो? अनपढ़ गवार कहीं का। ये क्या सर, आप सबको पीछे ही क्यों मारते हैं? मेरी बचपन की आदत है। अम्मा, अब्बा, एक और मुर्गा दिखा। ऐसे चिल्लाया क्यों? अबे बेसमेंट में क्यों मारा? डॉक्टर साहब, मैटर क्या है? आग से दुर्घटना। खुद से जलाया किसी और ने जलाया? खुद से। थोड़ा जलाया, पूरा जल गया? पूरा का पूरा। बैठक ही क्यों जला? मेरी किस्मत खराब थी। राशि दिखाई थी? अरे इंक्वायरी काउंटर, इलाज करना। ओके, आराम से, आराम से। नजाकत दिखाओ, मर्दानगी नहीं। इस्तेमाल क्या किया था, केरोसिन या पेट्रोल? आइटम क्या था मुझे पता नहीं। बताएगा नहीं तो इलाज कैसे होगा? क्यों मेरी सुलगा रहे हो? केस क्रिटिकल है, ट्रीटमेंट सिंपल है। बरनाल लगाओ, पट्टी बांधो। पट्टी मारने के बाद घर जा सकता हूँ ना? ऐसे नहीं जाने देंगे। काई को? बिल कौन भरेगा? पट्टी का? खैराती हॉस्पिटल है क्या? अरे मारना नहीं, टीप अलग से दूंगा। बार बार चांस क्यों मारता है रे? क्या करूं, आदत से मजबूर जो ठहरा। कम ऑन नर्स। मामूली सा बुखार है, दवाई दे देता हूं। एक लाइन बोलने के इतने पैसे? एक मिनट चाचा। देखिए दवाइयाँ टाइम पे लेना, बुखार उतर जाएगा। क्या बेटा, तुम्हारे अंकल भी हमेशा मुसीबत से घिरे रहते हैं। बिना मुसीबत मोल लिए उनका दिन नहीं कटता। मुझे माफ करना बेटा, मुझे लगा मेरा बेटा है। कोई बात नहीं माँ जी। क्या आंटी, आप किसी भी अनजान शख्स को अपना बेटा समझ लेती हैं, ऐसा कैसे चलेगा? क्या करूं बेटी, माँ की ममता ऐसी ही होती है। एक्सक्यूज मी, बता सकती हैं रिसेप्शन कहाँ है? 100 और दीजिए। अरे जिंदगी भर की कमाई आज ही लूट लोगे क्या? शांत रहिए ना चाचा जी, आपकी सेहत पैसों से ज्यादा जरूरी है। प्रसाद दिख रहा है? नहीं, मेरा वहम होगा। क्या हुआ आंटी, फिर से किसी अनजान शख्स को अपना बेटा समझ बैठी? हाँ बेटी, आजकल मुझे हर किसी में प्रसाद नजर आ रहा है। फिक्र मत कीजिए आंटी, वो जरूर मिल जाएगा, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। ओके, ये लीजिए। थैंक यू। चलिए आंटी। अंकल, अब कैसी तबीयत है? इस बेहाल का हाल मत पूछ। वैसे तुम आग के लपेटे में आए कैसे? मैं आग की लपेटे में नहीं आया आंटी, आग ने खुद आकर मुझे लपेट लिया, फिर ज्वालामुखी फूटा। आखिर कहाँ गायब हो तुम? एक्सक्यूज मी, ये लीजिए। अरे योगी, हाय, पहचाना मुझे? मैं नंदिनी, उस दिन जब तुम जेल से निकले थे मैं भी वहीं थी। तुमने नहीं पहचाना? बिल्कुल नहीं। ये क्या, इतना जरूरी क्या लिख रहे हो और किसे? माँ कहाँ है, ये किसी का खाना, तू या मैं ठीक हूँ, तुम क्या? हिंदी नहीं आती? ये तुम हिंदी लिख रहे हो? तुम्हें तेलुगु लग रही है? हाँ मुझे तो। हाँ तो यही समझ लो। अच्छा, ये पैम्फलेट है, ये तुम अपने? मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं पॉकेट में रख देती हूँ। क्या हुए? क्या डाल रही जेब में? पैम्फलेट। जब चिट्ठी लिख लोगे तब इसे पढ़ लेना। बाय। कहाँ भेजनी है चिट्ठी? कृष्णापुर। इसमें नहीं, उसमें डालो।
तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। चलो रे। माफ करना भाई। अबे आँख के अंधे दिखाई नहीं देता क्या तुझे? दिमाग से पैदल आ गया? मेरे को जानता नहीं है तू, तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं। ये क्या कर रहे हो? हटा इसको प्लीज, गेट लॉस्ट। माफ कर देना दोस्त। कैसे कैसे लोग आ गए हैं शहर में। ए बाल की दुकान, किसको बोल रहा है? उसको, तेरे को क्या? तो जानता है वो कौन है? अरे कोई भी हो, मेरे को क्या मतलब? वही योगी है। योगी? अरे तो फिर अकेले क्यों जा रहा है? हम सब उसके साथ है, वो अकेला नहीं है। जाके माफी मांग। अरे भाई जाने तो, वो तो चला गया। कहाँ रहता है तू? अरे भाई मैं अलीबाग का रहने वाला हूँ, समझने की कोशिश करो। जाने दे, गलती चलती माफ करना भाई। अपना अलीबाग अच्छा है, चारों तरफ पानी, आस पास जंगल, मस्त पहाड़, मजेदार। हेलो मिस्टर योगी, तुम फिर आ गई? ये क्या, तुम अकेले चल रहे हो? किसी ने हमला कर दिया तो? तुम कर तो रही हो। ठीक है, तुम भी पलटवार कर दो। क्यों पीछे पड़ी हो? जाओ ना तुम। इतना क्यों भड़क रहे हो? मंगनी करने के लिए नहीं कहा, शादी करने के लिए नहीं कहा, ना ही हनीमून के लिए कहा। तुम्हारा सिर्फ इंटरव्यू लेना चाहिए। तुम लड़की हो या कुछ और? तुम लड़की हो या कुछ और? चलो जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊँगी। कहाँ फंस गया मैं? कहाँ फंस गया? देखो तुम बहुत ही संस्कारी और सुंदर लड़की, क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? अगर इतनी सुंदर लगती हूँ तो थोड़ी सी लाइन मार दो। तेरी तो तुझे शर्म नहीं आती? इस तरह मुझसे बच के तुम कहाँ जाओगे योगी जी? चाचा ये सब कौन है और मेरे पीछे क्यों लगे? मेरे कहने पे आए हैं। वो सुरेंद्र तुझे मारने की फिराक में है और तुम्हें जनता के लिए जिंदा रहना है। मुझे जनता से मतलब नहीं, मैं सिर्फ अपनी माँ के लिए जी रहा हूँ। बेटा इतने दिन जिन गुंडों का लोगों में खौफ था ना, आज वही गुंडे तुम्हें देखकर कांप रहे हैं। इस चीज का फायदा उठाकर सभी बेसहारों का सहारा बनो। ये मार पीट, ये खून खराबा किसी काम का नहीं। मैं अपने गांव जाना चाहता हूँ, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। बेटा योगी तुम्हारी माँ इस वक्त गांव में नहीं है। माँ गांव में नहीं है? ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ बेटा, तुम्हारी माँ के लिए तुम्हें तड़पता देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उसे यहाँ बुलाने का सोचा, लेकिन बेटा वो गांव में है ही नहीं, वो तुम्हारी तलाश में इस शहर में आ गई है। तुम्हारे लिखे सारे खत भी वापस आ गए। माँ ये क्या हो गया? तुमने अपनी माँ से यहाँ का पता क्यों छुपाया? इसलिए छुपाया था कि उनको यहाँ का एड्रेस ना पता चले, नहीं तो वो मुझे बुलवा लेती। जब से एड्रेस लिखने लगा हूं तो खत वापस आने लगे। बेचारी मेरी माँ, उसने कभी गांव की दहलीज पार नहीं की, कैसे पहुंची होगी यहां तक, किस हाल में होगी वो? चाचा मुझे किसी भी तरह अपनी माँ को ढूंढना होगा। बेटा कहीं भी अकेले मत जाना, सुरेंद्र को पता चलने पर खतरा हो सकता है। कौन सुरेंद्र? आखिर कौन है ये सुरेंद्र और वो मेरे पीछे क्यों पड़ा है? हा? योगी कभी हथियार नहीं उठाना चाहिए, लेकिन हाँ उठा लिया तो फिर छोड़ना भी नहीं चाहिए। आपका मतलब अब जिंदगी भर मुझे लोगों को मारना पड़ेगा? नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मददगार बनो, गरीबों का सहारा बनो बेटा। एक आम आदमी जद्दोजहद करके सालों की कमाई से एक छोटी सी जमीन खरीदता है और गुंडे उस पर कब्जा कर लेते हैं। बेटा रोड पर रेड़ी लगाने वाला एक गरीब मुश्किल से 100 रुपए कमाता है और उसमें से 50 रुपए इन गुंडों की जेब में चले जाते हैं। ये सब उन्हीं के शिकार हैं बेटा। तुम्हें सिर्फ अपनी माँ के लिए ही नहीं बल्कि हम जैसे गरीबों का भी सहारा बनना होगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी माँ दर दर की हो जाएगी। नहीं ऐसा मत बोलिए, मुझे कुछ नहीं होगा, माँ को भी कुछ नहीं होगा। मैं उन्हें किसी भी तरह ढूंढ लाऊंगा। सुनो भैया, आप माँ को ढूंढने जा रहे हो ना, जल्दी जाओ। अगर बाबा जी उठ गए तो वो तुम्हें जाने नहीं देंगे। मैं हूँ ना यहाँ, सब संभाल लूंगा। भैया शायद वहां कोई है।
भाई महेश पहुंच गया है। योगी के मरने की खबर आपको जल्दी ही मिलेगी। ए महेश, क्या हुआ? क्या हुआ? ये हाल किसने बना तेरा? कौन है वो? बोल। जाओ। तू सिर्फ तलवार पकड़ना जानता है, मैं इसका इस्तेमाल भी जानता हूं। जैसे ये दरवाजा खोलेगा बोटी बोटी कट डालेंगे। तू यहाँ पर खड़ा रहे, सीधा उसके सर पर मारना। अरे अरे, हम लोग हैं। सुनो योगी बेटा, आज तुमने इस तलवार को पकड़ लिया है, तुम्हें पता नहीं है ये सारे गरीबों की ढाल है। प्रसाद माँ, माँ कहाँ कहाँ ढूंढू तुझे? तुझे मेरी परवाह नहीं है, मुझे अकेला छोड़कर क्यों आया? ऐसा मत कहो माँ। अरे उदास क्यों हो रहा है? हंस हंस हंस, चलो नाचते हैं। हमेशा की तरह अपने माँ के ख्यालों में है। अरे जाने जिगर जाने मन, फिकर करने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा शोरूम उठा के घर लेके आऊंगा। अब तो अच्छे दिन भी आ गए हैं, बोल तो ताजमहल को पॉलिश करके लेके आऊं। ताज मेरा, महल तेरा, है ना? ए हो गया क्या? सब सामान रख दिया। ये भी नया है, ये पैक करवा दूं? नहीं, अगले राउंड में। कुछ और चाहिए तो बताइए। अरे बस करना। लीजिए। ये काय की चिट्ठी है? बिल है सर। तो अपने दिल में रख लेना। बिल तो सेटल कीजिए ना सर। ओ सेटल करने का, अभी करता हूँ ना, एक मिनट। हेलो योगी भाई, वो अपने को बिल सेटल करने को बोल रहा है। योगी भाई खुद रात को 9:30 बजे आएंगे। 48 इंच का टीवी भी ले जाइए सर, कोई बात। अरे अभी तो तबे लूंगा ना, जब पूरा बिल सेटल हो जाएगा बेटा। रुकिए सर, मुझे आपके चरणों की धूल लेने दीजिए। धूल की पूरी बांध ले। छोटी सी बात है सर, मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए ना सर। इधर मेरे को बुला रहा है? हाँ तुझे। ये लप्पू झन्नार तेरे को बुला रहा है? तुझे ही बुलाया। अरे टकले मेरे को बुला रहा है क्या? योगी भाई को खबर मिली ना तो आके तेरे को वो ए, चलो तर
ये अंदर मारना जमाना देखेगा नहीं। भाई का नाम लेके कितना माल लूट लिया तूने? बस ये पहला ट्रक था। ये सब दे। नहीं, देता हूँ। इतने से सेटल होता है तो ठीक है, वरना अगले हफ्ते डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेके किडनी निकाल के देता हूँ। चल कपड़े उतार। अरे इसकी तो आदत है। हेलो, कौन सा एरिया? बहुत पॉश एरिया रे, धारावी। और तू? चूना भट्टी। ओ, धंधा क्या है? रियल एस्टेट तेरी। और तू? मैं भी सेम टू सेम। अबे चुप, झूठ बोलता है। बिल्डिंग से ज्यादा एजेंट बैठे हैं यहाँ। कोई अमृत नगर बोलता है, कोई अचानक नगर बोलता है, कोई चूना भट्टी तो कोई झोपड़ भट्टी बोलता है, कोई बोलता है रोड आ रही है, कोई बोलता है मेट्रो आ रही है। अरे धत तेरे की, यहाँ पर हर कोई रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहा है, तभी तो अपन लोग नंगे हो गए यहाँ पे। चुप कर। काय को चिल्ला पुकार कर रहा है? चिल्ला पुकार नहीं, फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं। और नहीं तो क्या भाई, ऐसे फटीचर लोग भी ये धंधा कर रहे हैं। भाई ऐसे बैठे बैठे घुटने में दर्द हो गया, योगी भाई के दीदार करा दो ना। उधर देख भाई, माफ कर दो, मजाक में आपका नाम लिया था। ए, तुम लोगों ने मेरे नाम का गलत इस्तेमाल करके गरीबों से पैसे ऐंठे हैं। दो दिन का वक्त देता हूँ, उनकी पाई पाई लौटा दो, वरना तुम मुझे जानते हो। ट्रांसफर करता हूँ ना। हम सब तो छोटे लुटेरे हैं, लेकिन हमको लूटने वाले बड़े लुटेरे सुरेंद्र और उसके साथी है भाई। हाँ भाई, अभी हफ्ता देके आया हूँ। ये लोग मजबूरी में अपना गांव छोड़कर यहाँ पर आए, अब तुम यहाँ भी इन्हें चैन से नहीं जीने दोगे। अरे यार, हाथ धो के पीछे ही पड़ गया। आज से आप लोगों को किसी को हफ्ता देने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने हफ्ते के लिए हाथ बढ़ाया तो उस हाथ को काट देना। इधर का भाई हूँ, उधर का भाई हूँ, किसी से खौफ नहीं खाता। योगी है या तूफान, रुक ही नहीं रहा। डॉक्टर साहब, मेहरबानी करके मेरी बेटी को बचा लीजिए। ये उसे पैदा करने से पहले सोचना चाहिए था ना। जब तक पूरे पैसे नहीं भरोगी तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। इंसान की जान बचाने वाले डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है। हर जान बचाने की कीमत नहीं होती। हाथ उठाने के लिए माफी चाहता हूँ। इस बच्ची का नाम शांति रखिएगा। तुम बहुत नेक शख्स हो योगी। हेलो सर, वेलकम टू आवर स्टूडियो। सर बस 5 मिनट आप वेट कीजिए, रेडी होते ही हम आपको अंदर बुलाएंगे। सर को वीआईपी रूम में बैठाओ। शंकर, योगी जी आ गए हैं, लाइव टेलीकास्ट के लिए रेडी रहो, फास्ट। ठीक है मैम। चाचा, न जाने भगवान मुझे किस पाप की सजा दे रहा है। गांव में माँ के साथ कितना खुश था मैं, बदकिस्मती से अब वो भी मेरे साथ नहीं है। कर्म भोग है बेटा। पिछले जन्म में हमने जो कर्म किए होंगे ना, इस जन्म में उन कर्मों का फल हमें भोगना पड़ेगा। मेरा जवान बेटा मेरी आंखों के सामने ट्रक से टकराकर चल बसा। क्या वो जानबूझकर ट्रक से टकराया था, या फिर वो ट्रक उसका काल बनकर वहां आई? ये सब किस्मत का खेल है। तुम फिक्र मत करो, आजकल तो मीडिया बहुत आगे बढ़ चुका है। घर घर में टीवी है, तुम्हारी माँ ये प्रोग्राम देखेगी। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं एक खास मेहमान, जिसका नाम है मिस्टर योगी। वाओ, योगी। नमस्ते, आप सब लोग मुझे जानते हैं। माँ जी जल्दी आइए। अरे क्या हुआ? मैंने जिस योगी के बारे में बताया था उसका इंटरव्यू आ रहा है। अच्छा, जल्दी आइए ना माँ जी। अरे आ रही हूँ। पता नहीं वो कहाँ होगी, किस हाल। अरे यार, अरे क्या हुआ, ये बिजली भी ना माँ जी गलत वक्त पे जाती है। अंकल लाइट कब आएगी, इंडिया पाकिस्तान का मैच चालू है। भाई कितना टाइम लगेगा? अरे 2 मिनट लगेगा, सबर करो। मेरी जिंदगी में मेरी माँ से बढ़कर कोई नहीं है, बस उन्हीं के लिए जी रहा हूँ। लग्जरी 3-व्हीलर को मेंटेन क्यों नहीं करता, कितने झटके खा रही है। अरे ये ले 20 रुपए की टिप, भाड़ा बाद में दूंगा, चल जा। जब से उस लाल रोबोट से मिला हूँ सारा हिस्सा लाल हो गया है। ओ पुत्तर, ये कौन सी चाल है? ये योगा की नई चाल है। अरे कंट्रोल अंकल।
पता नहीं मैं बैठे बगैर करूंगा कैसे। चले बॉल डाल। अरे ये चिल्लर पार्टी बहुत ही डेंजर है, निशाना लगा के बॉल मारेंगे। जब तक ये लोग खेल रहे हैं कई साइड में जाकर खड़ा हो जाता हूँ। वैसे भी इस गली क्रिकेट में खेल कम लफड़ा ज्यादा होता है। क्यों रे रास्ते में पुतले के जैसा खड़ा है, इतना ही है तो म्यूजियम में जाके पुतला बन। अरे नालायक क्या कर रहा है? क्या हुआ मालिक? दूध में पानी मिला ना कि पानी में दूध, समझा? दूध बाजार में मेरा बहुत बड़ा नाम है, उसको डुबाओ मत, ठीक से मिलाओ। अरे उस भैंस को नहलाया। भाई जी सुरिंदर आ रहा है। ए, पप्पू गालिया मुन्ना सामान निकाल, गेट बंद कर, छोड़ेंगे ना इसको। बाप जी आज ये जिंदा नहीं बचना चाहिए, छोड़ेंगे नहीं इसको। कृष्णा थोड़ा शांत हो जाओ, मेरे कदमों में आएगा ये पता था, लेकिन तू लाएगा ये नहीं पता था। जो हुआ उसके लिए बहुत शर्मिंदा है ये भाई, एक महीने से आपसे मिलने की जिद कर रहा था ये भाई। आप तो रहम दिल हैं, आप ही का बच्चा है, आप माफ भी कर दीजिए इसे। हाँ लेकिन इसने और नरसिंह ने मुझे मारने की साजिश रची थी, नसीब से मैं बच गया, पर नरसिंह मारा गया और इसे लावारिस छोड़ गया। जी तो कर रहा इसे भैंसों से कुचलवा दूं, लेकिन ये तो तुम्हें ढाल बना कर लाया है। अब भूल जाइए सब, दिल बड़ा कीजिए और माफ कर दीजिए इसे। इसमें तेरा कितना हिस्सा? अरे बाप जी इसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं है, सच। अरे चल छोड़, तुझ पे भरोसा करना और जलते तवे पर बैठना एक ही जैसा है। इनका प्यार करने का तरीका ऐसा ही है, चल पकड़ ले पैर। बाप जी गलती हो गई, बाप जी माफ कर दो ना। इसका गमन टूट गया है बाप जी, अपना हाथ इसके सर पे रख दीजिए, कदमों में पड़ा रहेगा। सच में? हाँ भाई जो हुक्म करो सब कर दूंगा। इसको काट डाल, काट डाल। जरा शागिर्द और उस्ताद का रिश्ता समझो। इसे तुम लेकर आए थे ना, और ये तुम्हें ही काट रहा है, कितना वफादार है, देख लिया। जान से मार डालूंगा तुझे। बाप जी इसे मारकर यहीं दफना देते हैं, जो भी होगा मैं संभाल लूंगा। ए दरोगा यहाँ शोर शराबा मत करो, भैंसें भिदक जाएंगी, हमें उनका दूध निकालना है। इसको यहीं छोड़ दो, तुम ड्यूटी पे जाओ, हम देख लेंगे। बाप जी के कहने पे बख्श दिया है तुझे, धोखेबाज। बेटा योगी बुजुर्ग होने के नाते एक इंसाफ की बात कह रहा हूँ, पास्ट इज पास्ट, अंग्रेजी में एक कहावत है, तुम भी भूल जाओ। आज से सुरेंद्र तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। चलो माफ कर दो, अपना धंधा ये खुद करेगा, क्या कहते हो? अगर धंधे से मतलब गरीबों का हक छीनना और मासूमों को मारना है तो वो नहीं होने दूंगा। अरे अपने बिजनेस में तो ये सब चलता है। तुम्हारे लिए चलता होगा, मेरे लिए नहीं। अरे ऐसी बात नहीं है, जो मुझे कहना था वो मैंने कह दिया, और ये पत्थर की लकीर है। हमरे क्या बे शाने, बाप जी को धमकी देगा तू? हां गर्मी ज्यादा उबाल मार रही है क्या? एक रात में जमीन चाटेगा। ए भड़भड़िए शोर मत करो, वरना भैंस भड़क जाएगी और दूध नहीं देगी, जानते हो इसका बैकग्राउंड। चलो हटो, तुम जाओ बेटा। अरे साइड देना, आपने रोक लिया, वरना एक ही घूसे में मार डालता उसको मैं। तभी तो रोका। कृष्णा इसकी किस्मत आज बहुत तेज है, मौत को छू कर वापस आ गया है ये। हाँ बाप जी। तू क्यों ऐसे मुंह लटका के खड़ा है, क्या हुआ? ये क्या बाप जी, शाना समझता अपने आपको, आपने छुड़ाया और आप ही के सर पर तांडव कर रहा है वो। अच्छा अब तो तुम्हारी गिनती भी नहीं कर रहा है वो। क्या करें उसके दिन अच्छे चल रहे हैं। मार देते हैं। नहीं नहीं ये गलत है बाप जी। अब तुझे क्या हो गया कृष्णा? ये गलत बात है बाप जी, योगी को मारना मुझे ठीक नहीं लग रहा, सब एहसान फरामोश है, गरीबों का खून चूसने वाले दो कौड़ी के लोग। हम लोगों से वसूली करते हैं और वो हमसे वसूल के लोगों में बांटता है, हमारे लिए यही बेहतर है कि उसे रास्ते से हटा दें। इतना मत सोचो। हेलो क्या चाहिए? मुझे योगी से मिलना है। भैया लड़कियों से बात नहीं करते। क्यों भाई लड़कियों से उन्हें क्या तकलीफ है? अरे बेटा इतना मना करने के बाद बार बार यहाँ क्यों आ रही हो तुम? इरादा क्या है तुम्हारा? एक इंटरव्यू लेना है। ये सब फालतू की बातें छोड़ो, जाओ यहाँ से। सुनो तुम्हें योगी भाई बुला रहे हैं, चलो जाओ। शुक्रिया बाय। ये क्या है, वाकई उसने बुलाया है? नहीं मैंने ही उसे भेजा। लेकिन क्यों? असल में हकीकत तो यह है कि तू और मैं सिंगल ही मरने वाले हैं, कम से कम भाई का घर तो बसे। तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, आखिर क्या जानना चाहती हो तुम मुझसे? कुछ जानने के लिए नहीं योगी, बस कुछ बताने के लिए। तुम जो नेक काम करते हो उसकी वजह से लोग तुम्हें चाहने लगे हैं। हाँ तो मैं क्या करूँ? तुम पे प्रोजेक्ट बना के
मैंने अपना कोर्स पूरा कर लिया है और अब मैं एक इंटर्न हूँ। प्लीज अगर मैंने तुम्हारा इंटरव्यू लिया तो मैं एक जर्नलिस्ट बन जाऊंगी। प्लीज क्या बताऊं अपने बारे में? जिस तरह लोग रोजी रोटी की तलाश में शहर में आते हैं, ठीक उसी तरह मैं भी आया था। हे शंकर भोले, जल्दी से एक नौकरी दिला दीजिए ताकि पैसे कमा करके माँ के कंगन खरीद के वापस गांव जा सकूं। दिलाओगे ना? सुनो भाई, ये बादशाह भाई का घर यहीं पर है ना? कौन बादशाह? बादशाह को नहीं जानते? अरे बेलापुर का बादशाह। क्या बात है, रात के खाने का झोल हो गया। उसने कहा था शिवजी के मंदिर के आसपास ही है मेरा घर। नहीं पता भाई। तू बादशाह को ढूंढ रहा है क्या? हाँ, क्या तुम उसे जानते हो? जानता हूँ, उसका गुजारा मुझसे ही हो रहा है। भाई बहुत मेहरबानी होगी, मुझे उसके पास ले चलो ना। फॉलो मी। चलता हूँ बाबा। हवलदार साहब को नमस्ते बोलना। एक चिकन अंगारा, एक चिकन बंजारा, एक चिकन बेचारा। फिर किसी मकड़ी को जाल में फंसा लिया इसने। हम तो दो ही लोग हैं, फिर आपने ये सब कुछ तीन को मंगवाया? पगले, ये तो सिर्फ मेरा कोटा है। अरे इतना सारा? अबे नजर मत लगा, मैं बहुत बिजी आदमी हूँ और खुराक भी कम गई है। बेटा पहले तो एक टाइम में इतना खाता था। क्या रे चट्टी गमछा, ठीक तो है ना? तू अपनी फिक्र कर, एक बात बता, तेरे पेट में हाजमे की मशीन है क्या? आखिर तुझे रोज फूकर का खाना हजम कैसे होता है? ये भैया दिन भर मेहनत करते हैं, इसीलिए दिन भर का खाना एक ही बार में खा लेते हैं। बिल्कुल भैया, एकदम सही कह रहे हो। ये ऊँट की तरह खाना अपने गले में स्टॉक करता है। अबे गिरे स्टॉक एक्सचेंज, चल जा काम कर, चल बटक, बेकार का बात कर। भैया आप उस बच्चे पे इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? अबे तो बच्चा है, दिन भर चेपे चेपे करता रहता है। तो गप की गोली खाओ और मुझे खाना ढूंढने दे। ठीक है ठीक है। तुम चपाती में ना मैदा कम डाला करो, बहुत चबाना पड़ता है। तुझे लोडिंग और अनलोडिंग के अलावा कुछ नहीं सूझता? अरे ऐसा मत कहिए, ये बहुत बिजी हैं, एक ही बार खा के अपना टाइम बचा लेते हैं। क्यों, सही कह रहा हूँ? अबे चिल्ला चिल्ला के मेरे नाम का बवाल मत कर। इसे देखो, बिल कितना हुआ? 365 रुपए। 1000 की पुरानी नोट चलेगी क्या? तू नोट दे, मैं चिल्लर देता हूँ। चिल्लर मुझे देगा तो तेरा धंधा कैसे चलेगा? ए बाहुबली फुटकर है क्या? हाँ है। मार मुंह पे। गया काम से। अच्छा तेरा दोस्त का नाम क्या था? बादशाह भाई। करता क्या है? और आपने कहा था आप उसे जानते हैं? अरे खाने साइटिस हो गया मेरे को, खाने से पहले सब डाउनलोड, खाने के बाद डिलीट। तू थक गया होगा, चल बैठ। तू 5 मिनट बैठ, मैं 1 घंटे में उसको लेके आता हूँ, चलेगा ना? ठीक है भाई। कोई बस मत पकड़ लेना, बैठे रहना। हाँ मैं इधर ही बैठा हूँ। ए भाई कितने की चाल चल रहे हो? 10,000 की भाई। 10,000 की? अरे जनता की जेब काटेंगे तो 10,000 क्या लाख की खेलेंगे। हाँ भाई। भाई को फोन दे जरा। हाँ बोल भाई। गोविंद अपने कार में अभी निकला है। कौन से रास्ते से आ रहा है? SV रोड से आ रहा है और साथ में कृष्णा भी है। गाड़ी का नंबर बता। किसके इंतजार में बैठे हो? उस भैया की राह देख रहा हूँ। अब वो भैया वैया नहीं आएगा। ये लो चद्दर ओढ़ के सो जाओ। समझा करो, इस शहर में सब धोखेबाज होते हैं। चाचा जो कहना मुझे कहो, इस शहर को बुरा मत बोलो। कितना अच्छा शहर है ये, एक भाई जैसा दोस्त मिल गया जो मुझे नौकरी दिला रहा है। ऐसा शहर कहाँ मिलेगा? जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर से बोल रहा हूँ, सुबह की बस पकड़ कर गाँव चले जाओ। मैं भी बोल रहा हूँ, जब तक नौकरी नहीं मिलेगी जाऊंगा नहीं। सो जाता हूँ, भाई आके उठा देगा। बाप जी नाच गाना होता तो मजा आ जाता। अरे गाना तो मस्त है, लेकिन बियर क्यों ठंडी रही है? ठंडी नहीं, दूसरी क्या? निकाल। अरे एक क्या कर रहे हो? ए सुरेंद्र ये क्या हो रहा है? रुक जा, चल यहां से चल। भाई साहब आप ठीक हैं? सुनिए आपको कुछ नहीं होगा, मैं हॉस्पिटल ले जाऊंगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। आप घबराइए मत। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। क्या हुआ इन्हें? एक्सीडेंट हो गया था, आप प्लीज इन्हें बचा लीजिए। जल्दी ले चलो।
सिस्टर, गोविंद को यहाँ किसने भर्ती किया? साहब, साहब, मैंने किया। तुमने? हाँ साहब, मैंने। साहब ये गोविंद कौन है मैं नहीं जानता हूँ, और कौन इसे मारना चाहता है मुझे कुछ नहीं पता। साहब नहीं पता तो हॉस्पिटल क्यों ले गया? कैसी बात कर रहे हैं आप, इंसान की मदद करना कोई पाप है क्या? हाँ बताइए। वो सुरेंद्र तो भाग गया है, बाकी लोगों से हमारा डिपार्टमेंट पूछताछ कर रहा है। हॉस्पिटल में जिसने भर्ती कराया वो तो कुछ नहीं जानता, उसका कुछ लेना देना नहीं है। चाचा, चाचा, मैंने तो किसी की मदद की थी, इन लोगों ने मुझे अंदर कर दिया, मुझे छुड़ाइए ना चाचा। हाँ मैं हूँ ना, नमस्ते सर। हाँ कहिए अंकल जी। आप तो देख ही सकते हैं ये कितना भोला है, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। हाँ कितना समझाया इनको लेकिन ये लोग मेरी बात ही नहीं मान रहे। अरे तुम रुको भाई, रात से दिमाग चाट रहे हो। अरे सुनिए माधो जी, इनका नाम हमारे रिकॉर्ड में तो नहीं है ना? नहीं सर। साहब ये इस शहर में नया है, इसकी तरफ से मैं दस्तखत कर देता हूँ, इसे छोड़ दीजिए। नाम क्या है इसका? क्या नाम है? हाँ योगी। सुनो, पुलिस से झूठ बोलकर छुड़ाया मैंने तुम्हें, अब जल्दी अपने गांव चले जाओ। एक तरफ आप मुझे बेटा बोलते हैं और दूसरी तरफ मुझे जाने के लिए कह रहे हैं। मुझे नौकरी दिला दीजिए चाचा। ऐसी खुशबू किसी में भी नहीं। हाँ भाई सही कह रहे हैं आप। भाई वो गोविंद बच गया, हमारे खिलाफ केस भी कर रहा है और वो इंस्पेक्टर भी उसका साथ दे रहा है, जरा मसला देख लीजिए। हाँ ठीक है भाई। भाभी का फोन है। कौन सी वाली? वो अमृत नगर वाली। अबे धीरे बोल, ला इधर। अरे परसों ही तो आया था, अगले हफ्ते फिर से आता हूँ ना। भैया डीएसपी साहब। बाद में बात करता हूँ। अरे डीएसपी साहब, अरे आप है तो मुझे क्या गम हो सकता है। उस गोविंद यादव वाले केस में मेरे भाई सुरेंद्र को शक के दायरे में रखा गया है। वो नादान है साहब, जिन तीन लोगों को आपने उठाया है, कुछ दिमाग लगा के उन तीनों को इस केस में अटका दो। आखिर तुम्हें भी तो जवाब देना है, जिस पुलिस स्टेशन में ये केस है वहाँ के एसआई को फोन करके बता दो कि क्या करना है। अरे अरे इसका मुंह बंद करा, मैं साहब से बात कर रहा हूँ ना, डीएसपी साहब है लाइन पे। अरे चुप करा इसको, चुप करा। अरे छोटा सा मसला है साहब, आपकी मिठाई आपके घर पे पहुँचा दूंगा। भाई फोन। ओह हेलो, मार्केट में अंग्रेजी नहीं मिल रही है, देसी भेज रहा हूँ, चुपचाप पी ले। इसके घर के आसपास किसी को लगा? महेश और वेंकट को भेज दू। आदमी नहीं हो, औरतों को लगा, औरतों को। वो पागल शराब पीकर ही गाली देने लगती है। अरे इसका क्या मसला यार, इससे हाईवे का टेंडर चाहिए, गोविंद का आदमी है ये। अरे सुरेंद्र क्या कर रहा है, तुझे जान की कीमत नहीं है, किसी को मारने के लिए एक बड़ी वजह होना जरूरी है, समझा क्या? ठीक है तो आप भी देखिए ना। सुन बेटा, टेंडर को भूल जा, भूल जा मेरी जान, मिल गए वजह, अब खत्म कर दे इसे। तेरी तो अरे योगी बेटा। यो चाचा कैसा लग रहा हूँ मैं? तू तो राजू जेंटलमैन लग रहा है। चाचा बड़े सुंदर कंगन है, मेरी माँ के हाथ में और भी सुंदर लगेंगे। एक बात तो माननी पड़ेगी, जो बोलते हो करते हो। अच्छा बस का किराया कितना चाहिए? भाई साइड पे आए हुए हैं, जल्दी से एक स्पेशल चाय भेज। अच्छा जी। अरे सुन भैया के लिए जल्दी से स्पेशल चाय बना। अरे योगी जाओ जाकर ये चाय साइड पर दे आओ। क्या कह रहे हो, ये ड्रेस खराब हो जाएगी, अभी तो आप हीरो बोल रहे थे, अब चाय भिजवा रहे हो, क्या कर रहे हो चाचा? अरे छोटू होता तो नहीं कहता, दे आना बेटा। छोड़ो ना चाचा, मेरी बस का टाइम हो गया, मुझे गांव जाना है, अपनी माँ से मिलना है। मिला अच्छा बच्चा, जा बस एक बार ये चाय देकर आ जा। ठीक है जाता हूँ, वापस नहीं आऊंगा, वहीं से गांव चला जाऊंगा। दिल का बहुत अच्छा है। हेलो भैया चाय। भाई गोविंद को बचाने वाला यही है, लीजिए चाय। इसे इतना मारो कि कोई बचा ना पाए, तब ये समझेगा हमसे दुश्मनी का नतीजा। चाय लीजिए भैया। शाना क्यों बनता है, सड़क पर चाहे कोई जिए या मरे। क्या कह रहे हैं आप? उस बुड्ढे को अस्पताल लेकर क्यों गया तू? ओह उसकी बात कर रहे हैं, अब बेचारा बुरी तरह घायल था तो हमने उसे अस्पताल पहुंचा दिया। गंदी नाली के कीड़े, तेरी तो तुझे तो मैं। मुझे गाली देता है, तेरी इतनी हिम्मत, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चलो हटो।
इधर आ, इधर आ, आओ। देखिए मैं झगड़ा करना नहीं चाहता, बस अपने गांव जाना चाहता हूँ, मुझे जाने दीजिए। ये क्या है? कंगन है भाई साहब, मेरी माँ के लिए। चल दिखा। तेरी माँ के लिए या किसी नाचने वाली के लिए? देखिए भाई साहब, ये कंगन मेरी माँ के लिए, दीजिए मैं चले जाऊंगा। अरे चले जाना बच्चे, बहुत ज्यादा खुजली हो रही है ना तुझे? क्यों रे, मेरे भाई के गिरे बाप पे हाथ डाला? हाँ ये मेरी माँ के कंगन है, इनसे खिलवाड़ मत करो, दे दो। ओ, माँ के वास्ते? I love जल्दी है क्या? ये तो कफन बांध क्या है, कट्टे में ही भलाई है। के करके कम हो रहे हैं। भाई भाई, अरे कहां जा रहे हो? ऊपर तांडव चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या? भागे यहां से, चलो। बेटे से मिलाने में मेरी मदद कर। मेरी माँ के कंगन को अपने पैरों से रौंदा, मेरी माँ का अपमान किया, तेरा यही हश्र होना था। माँ, मैंने इसे जानबूझ के नहीं मारा, माँ मैंने इसे जानबूझ के नहीं मारा।
हरीश, शिट। ओह नो, इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा अभी। चल जल्दी। महेश, गाड़ी निकाल। उठा उसे। हाथ से नहीं निकलना चाहिए। अरे इतने ताव में किसको ढूंढ रहा है योगी? यहां मैं किसे ढूंढ रहा हूं और क्यों ढूंढ रहा हूं ये तुम जानते हो। और अगर मेरे आदमियों में से किसी को कुछ हुआ तो कोई नहीं बचेगा। योगी भाई, सब जगह देख लिया, कहीं नहीं है वो। समझा देना उस सुरेंद्र को, मुझसे पंगा ना ले, मेरा खून गर्म है और मेरी तलवार म्यान से बाहर है। मैं दोस्तों का दोस्त हूं और दुश्मनों का दुश्मन। मां कसम, जिंदा गाड़ दूंगा। अरे कृष्णा, उस शेर को दहाड़ते हुए सुना तूने? हाँ सुना। सुरेंद्र की आड़ में वो हमें भी लपेट कर चला गया है, समझ रहा है ना तू? समझ रहा हूँ बाबजी। माफ करना बाबजी। क्या सॉरी, निवाला तेरे मुंह में डाल दिया था, तू निकल ही नहीं पाया। गोली चलाई थी भाई, निशाना चूक गया। तेरी गोली चूक गई लेकिन उसका वार नहीं चूकेगा, होशियार है ना? बाबजी बोल। एक बार सुरेंद्र ने हमको मौत के करीब पहुंचा दिया था, तब योगी ने हमें बचाया। सुरेंद्र को भले ही हमने अपने साथ रख लिया लेकिन योगी को मारना गलत होगा। गंदे तालाब में अच्छी मछली आ गई तो क्या करेंगे, उसे निकालना ही होगा ना, नहीं तो तालाब साफ हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। स्वामी, आजकल चोरों का धंधा बहुत मंदा चल रहा है, बहुत कुटाई हो रही है, इसीलिए आपके पास आया हूँ। बस आज कुटाई से बचा लीजिएगा। ये तो देश का नाम खराब कर रहे हैं, नॉनसेंस। अरे तू तो खरा सोना है रे। सर, आपका बेटा आपकी जेरॉक्स कॉपी है। अरे ये मेरा बेटा है। सचमुच आप तो फिर इसकी जेरॉक्स कॉपी है। अरे बकवास बंद कर, तुम जल्दी करो यार। तुम बड़े हो के ना सिर्फ सोने में ही इन्वेस्ट करना, वो कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, और किसी में मत करना, फिर देखना तुम कितने अमीर बनोगे। पता है मेरा बेटा और मैं रोज मंदिर जाते थे। मम्मी मम्मी, वो अंकल है ना? ओम नमः शिवाय। वो है ना अंकल, वो ब्लैक शर्ट वाले। चलो बेटा देर हो रही है, आज नहीं पिटूंगा, बच गया। ले लो ले लो ले लो, चेयर ले लो चेयर ले लो, नीचे पड़ी थी। अरे मैं हूँ प्रसाद। कहाँ के ऐसा ही हो? अरे मुड़ के तो देख। अरे प्रसाद, तू यार हैदराबाद कब आया और मुझसे मिला क्यों नहीं? कैसे मिलता, तूने जो मंदिर का एड्रेस दिया था वहाँ पर तो था ही नहीं, अब कहाँ ढूंढता? वो चंचलगुड़ा के पास एक नया मंदिर बन रहा है ना, तो मैं लोग सप्लाई कर रहा था। चंचलगुड़ा के पास मंदिर का है, वहाँ तो जेल है। हाँ जेल है ना, और उसके अंदर मंदिर भी है, और वो एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर जाके हर किसी का पाप धुल जाता है। जाना है तो बताओ, तुझे भी भेजता हूँ। और बता, गाँव में माँ कैसी है? माँ गाँव में नहीं है बादशाह, फिर इसी शहर में। आप तो जानते हैं मेरे बेटे के अलावा मेरा कोई नहीं है, मुझे उससे मिला दे प्रभु। मैं मिलाऊंगा माँ से, इस शहर में मेरी अच्छी पहचान है। एड्रेस दिया ना तूने, मैं किसी भी तरह माँ को ढूंढ के ले आऊंगा, ठीक है? मम्मी मम्मी, अंकल। अरे बेटे की जेल लेके भाग रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। Oh,
क्या रे मजनू, इतने तत्काल में क्यों बुलाया? ये दुकान किसने तोड़ी? मेरी एक ने तुड़ाई की। कौन है वो शाणा? मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उससे वो शादी करने वाला है। मैंने समझाया तो मेरी तुड़ाई कर दी उसने। नाम बता आप उनको। वो स्प्लिट पर्सनालिटी का मरीज है। स्प्लिट पर्सनालिटी वो क्या होता है? एक आदमी के दो रूप होते हैं उसे ही कहते हैं। अगर ऐसा है तो मैं भी स्प्लिट का बादशाह हूँ। मैं उसे थूक थूक के मारूंगा। ए, तेरा ये घिसा पिटा डायलॉग नहीं चलेगा। इस बार एडजस्ट कर ले, अगली बार नया लाऊंगा। ठीक है, आखिरी मौका है। ये बता कहाँ मिलेगा वो? नाम क्या है? कुमारी। नाम तो बड़ा मामूली है लेकिन शक्ल अच्छी है। ये क्या है? केले हैं। ऊपर से कटे हुए क्यों हैं? ये क्या है? सिल्की साड़ी। इसमें सिल्क कहाँ है? वो क्या है? मिठाई है। उसको ढका क्यों नहीं? किसी में सफाई नहीं, तहजीब नहीं, जिम्मेदारी नहीं। किसी को साफ सफाई की फिक्र नहीं है क्या? हर जगह ढीलापन, लापरवाही, गैर जिम्मेदारी। भाई बाहर कोई अपने आदमियों को उड़ा उड़ा के मार रहा है। बाप रे। तुम ही वो दूल्हे राजा हो? हाँ जी मैं ही हूँ। तो अंदर चल, बात करनी है। सुन रे मजनू, जिस लैला से तू प्यार करता है तू उससे शादी कर, या जो लैला तुझसे प्यार करती है तू उससे शादी कर, लेकिन किसी और की लैला पे डोरे मत डाल। देखिए 37 बार मेरी शादी रुक चुकी है, मेहरबानी करके इस बार अड़ंगा मत डालो। तो मैं क्या करूं? तू मुझसे गुजारिश कर रहा है? सुना है कि तू स्प्लिट पर्सनालिटी का मरीज है। अंदर वाले शाणे को बाहर निकाल, बाहर निकाल, आज उसे मैं स्प्लिट कर दूंगा। चल निकाल जल्दी, वक्त की बहुत कमी है। लैला आज तारीख कौन सी है? 26 जनवरी। 15 अगस्त तक तो अब फुर्सत है। तब तक मैं तेरे मजनू के साथ शादी करवा दूंगा। अबे कम ऑन, तुम डबिंग भी करती हो? नहीं तो। क्यों मारा तूने उसे? किसको? ये क्या सर, मुझे मार के आप क्यों जमीन पे पड़े हुए हो? ए, देख तू मेरे बारे में जानता नहीं है। अबे तू भी मेरे बारे में नहीं जानता? अभी थोड़ी देर पहले प्यार पे भाषण दे रहा था ना। मैंने कब दिया? ये क्या आपके चेहरे की रंगत कहाँ गई? आप यही अवतार मेरे में भाग रहे हो? सर अब तक 37 लोगों ने मेरी शादी रोकी है सर। उन 37 लोगों को मैंने ही तोड़ा था। अब अगर आप बीच में आ गए तो तुझे भी तोड़ दूंगा मैं। किसी गलती के लिए बच्चे की जान लेंगे क्या? एक शादी को रोकना छोटी गलती है क्या? वहीं 10 लोग 10 शादियां 10 बार रोकेंगे तो थोड़ी बड़ी गलती होगी सर। फिर 37 लोग 37 शादियां 37 बार रोकेंगे तो तब तो कहर बरसेगा सर। ऐसी छोटी छोटी गलतियों को जोड़कर एक बड़ी गलती बनाकर एक आदमी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो तो फिर उसकी शादी कैसे होगी? जोड़ी तो जन्नत में बनती है सर। अब जान दूं मैं। जा सर, ऐसे ऐसे करके किसको बुला रहे हैं? मैं खुद को हवा कर रहा था, समझा क्या? मैंने अपनी जिंदगी में ब्रह्मानंदम को देखा, एमएस नारायण को देखा, सुनील को देखा, वेणु माधव को देखा, लेकिन बाप तेरे जैसा कॉमेडियन को नहीं देखा। तू तो बहुत भारी निकला उन सबसे। मैं हीरो की तरह तोड़ रहा हूँ और तू कॉमेडियन कह रहा है? पता है तुम जैसों के लिए सजा क्या होती है? नहीं जानता। जोर से बोल। नहीं जानता। नहीं जानता मेरे भाई। लगाई रोकने की सजा होती है अंधकूपम, शादी रोकने की सजा कुंभी पाकम, सुहाग रात रोकने की सजा किरमी भोजनम, लेकिन तुझ जैसे शादी रोकने वाले को शूल दंडनम। शूल दंड बोले तो वापस स्कूल भेजोगे क्या? व्हाट रोल यू प्ले आई कांट अंडरस्टैंड। सर ये इसको यहाँ क्यों रखा है? अबे तू, तोबा तोबा, आप ही नहीं रखा है सर। मैं क्यों लेकर आया इसे? अरे भूल गए क्या वो शूल दंड? गलती से मिस्टेक हो गई। सर कुर्सी रखी है, आप इस पे क्यों बैठ गए सर? क्या करें, सबके अलग अलग शौक होते हैं। मजा आया ना छोटे, खुद को रजनीकांत समझता है?
फिल्में हम भी देखते हैं और उनसे सीखते भी हैं। कोई स्प्लिट पर्सनालिटी नहीं है मेरे को। मंगलसूत्र बांध दीजिए। थैंक यू जी। ये आप क्या कह रहे हैं सर? ये शांति माँ की स्टोरी और वो योगी की स्टोरी है। इनका बेटा तो बहुत ही सीधा साधा है, ये तो गांव से आया ना, और योगी एक गुंडा है सर। ये एक ही शख्स कैसे हो सकता है? क्यों, आम आदमी एक गुंडा नहीं हो सकता क्या? ऐसी बात नहीं है सर। तुम्हारी रिपोर्ट में गलतियां हैं, डिटेल्स मिस किए हैं तुमने। इसकी कहानी में बेटा है, इसकी कहानी में माँ है, तो ये दोनों माँ बेटा कैसे नहीं हो सकते? पर कैसे हो सकते हैं सर? अरे अगर हुए तो तुम्हारा आर्टिकल बहुत सेंसेशनल हो जाएगा। क्या सर, जब भी कोई ऐसी खबर लाती हूँ आप उसे गलत कह देते हैं। आपको ये जानना है ना कि योगी के माँ बाप कौन है? ठीक है सर, मैं पता लगाती हूँ, जानकारी के साथ वापस आती हूँ। अरे छोटू जरा यहाँ। क्या हुआ बाबा जी? समझाने के बाद भी ये योगी के पीछे पड़ी हुई है। मैं लड़कियों को अच्छे से जानता हूँ, सब लड़कियाँ ऐसे ही होती हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा बिगड़ गया है तू। सुधर गया तो जमाना बुरा मान जाएगा। चुप कर, ऐसी बातें नहीं करते। सुन, उस लड़की को यहाँ से दफा कर चल। ठीक है। हाय छोटू, अब क्या चाहिए? योगी कहाँ है? यहाँ नहीं है। अब ये क्या बात हुई? कोई भी कभी भी मुझे योगी के बारे में नहीं बताता। अरे वो कब कहाँ होगा किसी को पता नहीं। थोड़ी हिंट तो दो ना। मुझे लगता है वो तुमसे खौफ खाकर रेगिस्तान में चला गया होगा। एक कुछ भी बहुत पकाती हूँ। योगी, योगी हाय। अब क्या हुआ, फिर से आ गई तुम? हर वक्त गुस्से में क्यों रहते हो योगी? पता तुम्हें कहाँ का नहीं ढूंढा मैंने? अच्छा ठीक है, बोलो क्या बात है। परसों तो तुमने मुझे आधा अधूरा ही इंटरव्यू दिया, तुमने मुझे अपने गाँव के बारे में तो बताया ही नहीं। नहीं बताया होगा, तुमने पूछा ही नहीं था। मेरे गाँव का नाम है बेलापुर। क्या? बेलापुर। हमारा गांव का नाम बेलापुर है, करनूल के बगल में। तुम्हारी माँ का नाम क्या है? शांति माँ। तो तुम्हारा असली नाम क्या है? ईश्वर प्रसाद। योगी, योगी। क्या हुआ, इतनी खुश क्यों हो रही हो? यहाँ पर कोई फोन है क्या? अंदर है। हेलो सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आपका शक बिल्कुल सही निकला, योगी और कोई नहीं शांति माँ का ही बेटा है। ओह ग्रेट, आपकी वजह से एक माँ अपने बेटे से मिल पाएगी। आपने बहुत नेक काम किया सर। भाई भाई, चाचा को, चाचा को। क्या हुआ, क्या हुआ चाचा को? फौरन जाकर ये बात तुम उस माँ को बताओगी तो खुशी का ठिकाना नहीं होगा उनका। जाओ। योगी, योगी तुम्हारी माँ मेरे घर में ही है। योगी, योगी। बादशाह, अपन यहाँ क्या करेंगे, तो मिडिल क्लास लोग हैं, कुछ नहीं मिलेगा। अरे मेरे मासूम चोर, हमारा काम चिट फंड कंपनी जैसा है, जिनका टारगेट होता है मिडिल क्लास। कितना भी लूटो, कितनी बार भी लूटो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदा रहे मिडिल क्लास, आबाद रहे मिडिल क्लास। मिडिल क्लास होते ही हैं पूड़ी बांधने के लिए। अच्छा। दुनिया में कोई भी स्कीम हो, छोटी या बड़ी, वो मिडिल क्लास को ही बेची जाती है पूड़ी बांध कर। म्यूचुअल फंड डॉक्यूमेंट केयरफुली। इसका मतलब क्या हुआ? कंडीशन अप्लाई, वो हमारा टारगेट है मिडिल क्लास। तो एक काम कर, तू जल्दी से स्टेशन चला जा, बिल्कुल टाइम खोटी मत कर, जल्दी जा। अरे बेटा, तुम्हारे पापा का नाम क्या है? जॉनी। जॉनी क्या करते हैं? वो पुलिस है। ऐसा ही जॉनी का बेटा है। देखो बेटा, ये चेन को ऐसे बाहर नहीं रखते, चोर उड़ा लेंगे। वैसे भी तुम्हारे पापा ने काफी मेहनत से रिश्वत लेके इसे खरीदा होगा। इसे ना ऐसे गले से उतार के, ऐसे हाथ में रख के अपनी जेब में डाल देना। चेन क्यों निकाली अंकल? हम चोर पुलिस खेल रहे हैं। मैं इस चेन के साथ उस पेड़ के पीछे छुप जाऊंगा, तुम वहाँ पर आना और मुझे पकड़ लेना। मैं चेन के साथ चॉकलेट दूंगा, ठीक है? चलो गिनना शुरू करो, 100 तक गिनना। हाँ, एक, दो। पता है बेटा, हमारा करनूल के पास एक छोटा सा गांव है। मैं और मेरा बेटा प्रसाद। शांति माँ, बादशाह। माँ जी, माँ जी, माँ जी, आपका बेटा मिल गया। तुम प्रसाद से मिले क्या? मिला था माँ, उसका पता भी है मेरे पास। माँ जी, माँ जी आप कहाँ हैं? अरे बंटी यहाँ। एक काम कर, दीदी से कहना मेरा बेटा मिल गया है, मैं उसे मिलने जा रही हूँ। चलो चलिए चलिए चलिए। जब बेटे से मिलने का वक्त आया तो पता नहीं माँ जी। सुनो, तुमने माँ जी को देखा क्या? उनका बेटा मिल गया है, उससे मिलने गई है। चाचा
क्या हुआ? सुरेंद्र चाहता है कि हम सब ये शहर छोड़ दें, नहीं तो वो छोटू की जान ले लेगा। छोटू कहाँ है? भाई योगी आ रहा है। चुप हो जा, बहुत हंसी आ रही है तुझे। मैं क्या पागल खाने से आया हूँ? ए, लाल मिर्ची निकाल, कोई भी बच के नहीं जाएगा यहाँ से। देख सुरेंद्र, सर नमस्ते सर। यहाँ पर प्रसाद नाम का कोई बंदा है क्या? कौन प्रसाद? ईश्वर प्रसाद, बेतम चरला से आया है वो। ये नाम वाला कोई नहीं रहता जी यहाँ। ये बाबा नाम के शख्स का होटल है और यहाँ कोई ईश्वर प्रसाद नाम का शख्स नहीं रहता, कहीं और देखिए। पता तो यही का था सर। ए, बकवास मत कर, दफा हो जाए यहाँ से। माँ तुम फिक्र मत करो बिल्कुल भी। वैसे आज सोमवार है ना, वो हर सोमवार शिव जी के मंदिर आता है, उसने मुझसे कहा था, चले चलते हैं। माँ तुम काफी दिनों बाद प्रसाद से मिलके उससे क्या कहोगी? मैं उसे पकड़कर सीधा गांव ले जाऊंगी। अच्छा हाँ। माँ माँ तुम ठीक हो? बोलो माँ तुम ठीक तो हो ना? ओह ये क्या हो रहा है? ये सब तो मामूली बातें हैं, नहीं करेंगे तो खाना कैसे हजम होगा? अरे बाप रे बाप, इस शहर में मेरी बेटी को नहीं रहने दूंगी, उसे फौरन ले जाना होगा, जल्दी उसके पास लेकर चल। ए योगी मुझे माफ कर दे, मैं शहर छोड़कर चला जाऊंगा, मुझे छोड़ दे, मत मार, नहीं छोड़ दे। क्यों रोका? क्यों? मैं गांव जा रहा था लेकिन तूने मुझे अपनी इस दलदल में रोका। ये तलवार मेरे हाथ में है तो उसका कारण तू है। आज मैं अपनी माँ से दूर हूं तो उसका कारण भी तू है। और आज मैं शहर का नामचीन गुंडा हूं। क्यों किया मेरे साथ ये सब? क्या बिगाड़ा था मैंने तेरा? बता तू। ए योगी, मैं शहर छोड़कर चला जाऊंगा, इस बार मुझे माफ कर दे भाई, मैं कभी नहीं आऊंगा, मुझे माफ कर दे, माफ कर देना, मुझे माफ कर दे भाई। मार डालो इसको, छोड़ना नहीं, खत्म कर दो। चुप, मार दो, खत्म कर दो, यही करते आए आज तक। इसी खून खराबे ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। सुन, तू जहां जाना चाहता चला जा, आइंदा मेरे सामने मत आना, अगर आया तो तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तू बाज नहीं आएगा। हर सोमवार को मंदिर जाना मैंने ही उसे सिखाया था। आज मेरा बेटा मुझे देखेगा तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। उसकी खुशी का तो पता नहीं, पर तुम बहुत ज्यादा खुश हो माँ। इधर नमस्ते सर। नमस्ते, क्या बात है आज आप यहाँ पर? ए, तुझे साहब ने बुलाया है। अच्छा सर,
मुझे एक माँ को उसके बेटे से मिलाना है, मैं मिलवा कर आता हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा पक्का। देखो बेकार की बातें बंद करो और हमारे साथ चलो। एक मिनट में वो थानेदार क्या कह रहा है? वो एसआई जो है वो मेरा जिगरी दोस्त है, मुझसे कुछ बात करना चाहता है, मैं बस 5 मिनट में जा कर आता हूँ, ठीक है? सुन बादशाह, प्रसाद यहाँ आएगा ना? वो आ जाएगा माँ, तब तक तो मैं भी आ जाऊंगा, तुम बस यहाँ पर बैठी रहो। ये कहाँ ले आया मुझे? मुझे तो मंदिर जाना था। आज आप मंदिर नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? आना नहीं, दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन मैं मंदिर जाऊंगा, चलो। भाई आप समझिए, अभी अभी सुरेंद्र को टपका के आ रहे हैं, इस समय कहीं भी जाना सही नहीं है, यहाँ कोई नहीं आता, भाई हम लोग यहाँ सेफ रहेंगे। ए, कैसी बातें कर रहा है, नसीब का लिखा कोई नहीं टाल सकता, अपन रुकने वालों में से नहीं है। अबे चुप है, कल सुबह मंदिर जाते हैं ना, एक रात की ही तो बात है। माँ जी यहाँ क्या कर रही हैं? मेरे बेटे का इंतजार कर रही हूँ। माँ जी यहाँ बैठने की इजाजत नहीं है, आप कहीं और जाइए। पंडित जी वो आता ही होगा। नहीं नहीं आप यहाँ से चली ही जाइए। दाई माँ क्या हुआ? बच्चे की सांसें चल रही हैं पर वो रो नहीं रहा। अरे ये क्या कह रही हो? मुझे नहीं लगता वो जिंदा बचेगा, बस दुआ करो। देखो ऐसा मत कहो, वो ईश्वर का प्रसाद है, मन्नतों के बाद पैदा हुआ है, लाओ मेरी बेटी को मुझे दो, मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, अपनी जान दे दूंगी लेकिन तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, मैं तुझे बचा लूंगी। सर्व मंगल मंगल शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अरे माजी आप तो रात भर यहीं बैठी नहीं, रात भर भीगती रही, बीमार पड़ गई होंगी। हे भगवान दुनिया में कैसे कैसे दुखी इंसान है, सबका तू ही एक पालनहार है भगवान। अरे रे रे, क्या हो गया माँ, प्रसाद अभी तक नहीं आया क्या? आपसे कहा था ना वो जिगरी दोस्त है तो रात भर छोड़ा नहीं। अच्छा अब चलिए, चल के कुछ खा लेते हैं, चले माँ। शांति माँ। शांति माँ, ये क्या हो गया? प्रसाद मेरे दोस्त। चल भाई जल्दी गाड़ी निकाल, मंदिर जाना है। अरे बेटा रात भर इन्होंने तुम्हारा इंतजार किया है, अब इनका अंतिम संस्कार कर दो। पंडित जी इनका सिर्फ एक ही बेटा है, अपने बेटे को बिना देखे ये चल बसी, कम से कम इनके बेटे को तो इनको देखने दीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। पंडित जी जो जीते जी नहीं आए वो अब क्या आएगा, अब इनका शव तुम ही ले जाओ यहाँ से, शुद्धिकरण जो करना है। शांति माँ मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे से नहीं मिला सका, तुम्हारे बेटे के दर्शन नहीं करा सका, मुझे मुझे माफ कर देना शांति माँ, मुझे माफ कर देना। क्या हुआ? पता नहीं भाई क्या प्रॉब्लम हो गई, आप बैठे रहिए मैं मैकेनिक को लेकर आता हूँ। ठीक है मैं पैदल ही मंदिर जाता हूँ। अरे भाई अकेले मत जाइए वहाँ। नसीब का लिखा कोई नहीं टाल सकता, भूल गया? ए, गाड़ी रोको। ए बादशाह रुक जाओ। क्या बात है, कहाँ गायब हो गया था? परसों तूने चेन उड़ाई वहाँ पे और अपने को शक्ल दिखाने भी नहीं आया। सर ये हमारे गांव की है सर, अंतिम संस्कार करने ले जा रहा हूँ, खत्म होते ही मैं खुद ही आ जाऊंगा सर। तू बोल क्या ये बादशाह सच बोल रहा है? हमको वो सब नहीं मालूम साहब, पैसा दिया है इसके लिए इसका काम कर रहे हैं, आजकल कुछ ज्यादा ही चालाकी दिखा रहे है। क्या रे इसके भी जेवर उड़ा लिए, कुछ भी नहीं छोड़ा? ये क्या कह रहे हैं सर, वो मेरी माँ के समान है। गले में जेवर हो तो किसी को भी माँ बना लोगे, ये एक मजहब की है और तू दूसरे का, फिर ये तेरी माँ कैसे? सर ये मजहब ये भेदभाव ये सब शहर के चोचले हैं सर, हमारे गांव में सब मिलकर रहते हैं। क्या रे इतना बड़ा हो गया मेरे से जबान चलाएगा? चल गाड़ी में बैठ। सर, चल छोड़ दीजिए सर। चल बैठ गाड़ी में, इनको शमशान ले जाओ मैं पहुँचता हूँ। बैठ चुपचाप, चल चल अंदर। सर
ए! हाँ भाई, जा रुको। ये क्या, सिर्फ चार लोग उठा के ले जा रहे हो? भाई शव को तो चार लोग ही उठा के लेके जाते हैं, वैसे भी अनाथ शव है ये। ओह, अनाथ शव है। भैया जिंदा रहते हम सुख और दुख दोनों का सामना करते हैं, पर आखिरी विदाई तो खुशी खुशी होनी चाहिए। सबको हंसते नाचते गाते विदा करना चाहिए। मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया है। मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा। यहाँ आसपास कोई बैंड बाजा मिलेगा? दीदी के घर में रहती थी, बेचारी मर गई। भाई योगी अकेले जा रहा है, आज उसके साथ बाकी के बंदे भी नहीं है। बुलाते ही जल्दी से आ गए, ये बहुत अच्छी बात है, हम सबको बहुत पुण्य मिलेगा। ये रखो। अरे सुनो भाई लोग, इस एरिया में बिजली कभी भी जाती है, 10 मिनट में भी जा सकती है। आप लोग जितनी जल्दी करो उतना ही अच्छा है। चलिए भाई लोग, मैं एक माला लेके आता हूँ, बाजू में फूल मार्केट है, बस 2 मिनट की बात है। क्यों हमारा और अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो भाई? बिजली चले गई तो वापस आने तक इंतजार करना पड़ेगा। भाई तुमने इतना सब कुछ किया, एक माला भी ले आता हूँ, बस अभी आया। जल्दी आना भाई, हमें दूसरी जगह भी जाना है। हे गुल्लू, तूने ध्यान से देखा ना? हाँ भाई देखा, एकदम अकेला है, आप कहो तो मार देते हैं। खत्म कर दो उसे, और इतना ध्यान रखना कि वो जिंदा ना बचे। अगर गलती से भी वो जिंदा रह गया ना, तो हम में से कोई जिंदा नहीं रहेगा। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है भाई। ए कृष्णा, वो योगी हमारे आदमियों के हाथ लग गया, नरसिंह भी मारा गया, सुरेंद्र भी मारा गया, और अब ये योगी भी खत्म। और उसके बाद पूरे शहर का मैं बादशाह बन जाऊंगा, पूरे शहर पर मेरी ही हुकूमत होगी। नहीं बाबजी, योगी को मत मारिए, उसने हम दोनों की जान बचाई है, वो गरीबों की मदद करता है, उसे मारना पाप होगा। एक माला देना भाई। किसके लिए है ये माला? एक अनाथ लाश है, उसका अंतिम संस्कार। बाबजी चाहे जो हो जाए, योगी मरना नहीं चाहिए, फोन कीजिए। तेरी तो मेरे ही टुकड़ों पर पला है और मुझे ही ज्ञान दे रहा है, सब मार डालूंगा। मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन सही गलत की समझ है। जिसने फरिश्ता बन के हमारी जान बचाई, उसी को मारना चाहता है, तुझे जीने का कोई हक नहीं। वैसे भी आधे रास्ते में मिला और कहकर गया कि चढ़ाने के लिए हार लेकर आता हूँ, वो वापस आएगा क्या? अरे वो बोलता है बिजली नहीं आएगी, हम तो फंस गए ना। अरे भाई माला लेने गया है, इतना कुछ किया है उसने, कम से कम चेहरा तो देखने दो। एक बार कहना कि मुझे ऐसा नहीं करना है, समझ नहीं आ रहा है? जान प्यारी नहीं है। अरे सुनो, मुझे नहीं लगता वो आएगा, बॉडी को अंदर ले आओ, बिजली कभी भी जा सकती है भाई, चलो।
योगी भाई, हम जैसे मरे तो लोगों का भला होता है, लेकिन आपका जीना बहुत जरूरी है। आप जाइए, जाइए भाई, आप जाइए। अगले जन्म में आप अनाथ पैदा ना हो, भगवान से प्रार्थना करूंगा माँ जी। अरे बच्चा, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू क्या कर रहा है? कोई अनाथ शव था, उसका सगा संबंधी नहीं था तो मैं आ गया और ठीक से अंतिम संस्कार कर दिया। जब माँ को पता चलेगा तो वो खुश हो जाएगी। तूने उनका चेहरा नहीं देखा? नहीं, नहीं देखा। वो तेरी माँ है। मेरी माँ कैसे मर सकती है? मेरी माँ क्यों मरेगी बादशाह? तू अगर ढूंढ नहीं सकता तो कोई बात नहीं, मैं खुद ढूंढ लूंगा, लेकिन मेरी माँ के बारे में ऐसा मत बोल। देखो चाचा, बादशाह पागल हो गया, अनाप शनाप बोले जा रहा है कि मेरी माँ मर चुकी है। आप बताइए, मेरी माँ कैसे हो सकती है? मेरी माँ कैसे मर सकती है चाचा? ऊपर वाला दुश्मन को भी ये दिन ना दिखाए। अब बोलते क्यों नहीं चाचा? इसने जो कुछ कहा सब झूठ है ना? बोलिए, इसने जो कुछ कहा सब झूठ है। योगी, वो तुम्हारी ही माँ थी। हाँ भैया, दादी माँ इस दीदी के घर में रहती थी, मैंने इन्हें अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हुए देखा तो इन्हें ले आया। ये देखो योगी, तुम्हारी माँ का सामान, कुछ चिट्ठियाँ भी है। माँ, मुझे छोड़ के नहीं जा सकती हो तुम? माँ, अरे बेटा रुको, ऐसे ऐसे नहीं करते, सुनो मेरी बात। नहीं नहीं, ऐसे मुझे छोड़ के रुको। अरे बेटा होश में आओ, चुप हो जा बेटा। मेरी माँ चली गई, मेरी माँ चली गई चाचा। कहते हैं पुरजन्म के पाप इस जन्म में भुगतने पड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं चाचा, इस जन्म के पाप इसी जन्म में भुगतने पड़ते हैं। भलाई के लिए हो या बुराई के लिए, लेकिन खून खराबा तो पाप ही है। वो मुझे इस तरह चुकाना पड़ा माँ के रूप में। माँ, मेरी माँ चली गई, मेरे पापों की सजा तुझे मिली माँ। तेरी खुशी के लिए मैं इस शहर में आया और तू मुझे छोड़ के चली गई, ऐसा क्यों किया माँ? प्रसाद बेटा, यहाँ आना। माँ तो आ गई। रो क्यों रहा है बेटा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तेरे साथ ही रहूंगी। अब मुस्कुराएगा, चल नाचते हैं, आ जा। कहा मा? मा? योगी, प्लीज चुप हो जाओ।